हाँ नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो भाई? ठीक हो? मस्त हो? ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 अप्रैल से चलते चलते आज हम लोग 12 अप्रैल पे आ गए। डियर, आप जानते हैं कि 2013 से 2019, 2013 से लेकर 2019 तक के नीट के प्रीवियस पेपर जो हैं उनको हमने टॉपिक वाइज सेट करके और एक सॉल्यूशन का एक लेक्चर डेली आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। 5 को किया, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। कल 11 अप्रैल को हमने ब्रेक किया था, उस पर कुछ एनालिसिस करने के लिए, कुछ आगे क्लासेस के लिए एक रेस्ट किया बीच में। आज 12 अप्रैल को फिर आपके बीच आ रहा हूं मैं। और आज दोस्तों मैं दो बहुत ही अच्छे टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, SHM और वेव एंड सरफेस टेंशन। इन तीन टॉपिक तीन करते हैं लो आज, SHM, वेव एंड सरफेस टेंशन। और इसी के साथ आपका 11th का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2013 से 2019 तक 360 टोटल क्वेश्चन है, तो देखो एग्जैक्टली 180 क्वेश्चन हमारे 11th के पार्ट से हैं। 50% ऑलमोस्ट 11th आती है। इस वीडियो को 11th से 12th के बच्चे देख सकते हैं, नीट 2020 के बच्चे देख सकते हैं, जेई मेन वाले बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि सारे वो प्रश्न है दोस्तों जो नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है डियर? और आप सब जानते हैं कि डेली मैं शाम को 6:30 बजे फेसबुक पेज CLC सीकर के फेसबुक पेज पे लाइव भी आता हूँ, जहाँ एज ए मेंटर, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर बच्चों से बात भी करता हूँ। और एक हम लोग डेली फिजिक्स का असाइनमेंट के रूप में आपको एक वीडियो देते हैं सॉल्यूशन का नीट के प्रीवियस पेपर के साथ। अब इससे बहुत सी डिमांड्स आ रही है सर, केमिस्ट्री का भी हो जाए, बायो का भी हो जाए। दोस्तों बिल्कुल आप ट्रस्ट रखें, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बस हम लोग ये 15 अप्रैल तक का वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी, तो आज 12 अप्रैल को मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन हमारा 30 अप्रैल तक जाएगा, ऐसी जो संभावनाएं लग रही है, माफी चाहता हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, संभावनाएं लग रही हैं। तो ये जैसे भी अगला लॉकडाउन जब तक होता है उसके आगे के अकॉर्डिंग उसी तरह से हम सब लोग शुरू करने जाएंगे सब चीज़ें। तो वो क्या होगा वो जैसे फाइनलाइज हो जाएगा किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले आप या आपके कोई भी दोस्त हैं वो CLC सीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, CLC सीकर के पेज को फॉलो करें। और दोस्तों अभी अपने सभी अपनों को शाम को 6:30 बजे अपना फेसबुक लाइव दिखाएं। और ये जो प्रश्न है फिजिक्स के, जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है प्रीवियस एग्जाम का, इससे आपने एक बात देखा होगा, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट कर दिए। तो एक टॉपिक से पिछले 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 छह साल में, और एक बार एग्जाम दोबारा हुआ हुआ है, तो पिछले 6 साल में जो क्वेश्चन आए उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया। मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें पहली बार इतना कॉन्फिडेंस आया है कि इतने इजी क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या, हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों आज जैसे SHM और वेव और सरफेस टेंशन क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, आप देखना एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम बहुत ईजी होता है। वो तो हम पता नहीं इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में हम कोचिंग वाले अपने कॉम्पिटिटिव चक्कर में, अपनी इगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में पता नहीं क्लासरूम में क्या क्या करवाते रहते हैं, एग्जाम ऐसा नहीं आता। आप देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूं भाई 13 से 19 के पेपर सोल्व करा रहा हूं आपको मैं, SHM के, वेव के, सरफेस टेंशन के। आज 12 अप्रैल को ये 7वां लेक्चर हम लोग आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं। ओके डियर, बात शुरू करें, आओ तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ तो डियर, ये आपका एक SHM की AIPMT 2014 प्रॉब्लम है। अगला साफ कहता है ऑक्सीलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस इन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन AX = A cos ωt। अब दोस्तों एक बात सुनो, इसमें A cos ωt ले, cos ωt ले या sin ωt ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है SHM में, इतना ही है। sin ωt स्टार्ट हमेशा होता है मेन पोजिशन से, cos ωt स्टार्ट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, जिसकी बात अभी करूंगा आपके साथ में। वेर अब ये एग्जाम लिखना पड़ता है, ये इतना लंबा तो बकवास कर रखी है ना, ये केवल बाड़ा बना रहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है बताऊंगा, देखो अभी अक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एट टाइम टी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेशन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो करेक्टली द वेरिएशन A and T। ए बोले तो एक्सीलरेशन, ये एज एक्सीलरेशन है, टी इज टाइम है। दोस्तों आपको ये बिना मतलब फालतू बकवास कर रहा है, मैं फिर जाता हूं, एक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया है और हमसे अगले ने एक्सीलरेशन पूछा है, पेज खाली करना भाई। देख डियर SHM पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कि सबसे पहले आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आपकी आती है वेलोसिटी, फिर आपका आता है एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दूरी बोलने की बात है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो वेलोसिटी बन जाती है, फिर एक बार वापस कर दो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। ये बात, ये ब्रह्मास्त्र है, ये लागू होना ही होना है। बस डियर अब आपके सामने वापस क्वेश्चन में आना, अगला आपको देता है X = A cos ωt, वापस खाली करो, X = A cos ωt, ये एक इक्वेशन दी अगले ने। अब ये एक्स अक्ष पे है तो एक्स हो गई, YP ZP R, इससे क्या फर्क पड़ता है, इधर कोई एक मीटर का मीटर लेना, सीधी सी बात है यार, दूरी के रूप में लेना।
अब दोस्तों आपके पास x है, हमें v चाहिए, तो v क्या होगा, dx by dt। अब इसको आप अवकलन करें तो आप देखो a cos का अवकलन माइनस साइन ओमेगा t, बहुत सुंदर, cos ओमेगा t में cos का अवकलन क्या है साइन। अब ओमेगा t के अंदर आओगे तो ओमेगा t किसके रेस्पेक्ट में, t के, तो एक ओमेगा दोस्तों बाहर आ गया, ये आपके सामने v हो गया। तो व्हाट इज v, v इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t। बट मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा, तो a का मतलब फिर से है इस dv by dt का, फिर से एक बार आप डिफरेंशिएट करो, तो आ जाओ दोस्तों ये a ओमेगा साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, याद है डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा डियर, ठीक है जी। तो मैं तेरे लिए कर दूं, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, बता को दिक्कत तेरे को, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सुन ले यार, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर, वेलोसिटी आती है फिर कर एक्सेलरेशन आता है, उल्टा चल, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर, वेलोसिटी आएगी आगे भी इंटीग्रेशन कर, डिस्प्लेसमेंट आएगा। आप देखो पिछले पेपर होल्ड किए हमने 13 से लेके 19 तक, तो आप देखो इसमें दोस्तों कम से कम 5-6 क्वेश्चन हर साल एक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बनाए आप लोग, एग्जाम बहुत इजी है, नीट की फिजिक्स बहुत इजी होती है, भाई तो बहुत हार्ड माफी चाहता हूं, आपको बहम होता है इजी होती है, जबकि भाई ज्यादा मुश्किल होती है। बस अब आप देखो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालने, अंदर क्या बचा ए कोस ओमेगा टी, और दोस्तों ए कोस ओमेगा टी इक्वल टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी, ओमेगा क्या है कांस्टेंट, क्वेश्चन में आए। तो दोस्तों हमें जो ये इक्वेशन दी है, मैं इस बोर्ड को खाली कर देता हूं आपके लिए, दोस्तों हमें इक्वेशन जो दी है वो कहता है कोस ओमेगा टी किसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का, और हमें क्या पूछा है एक्सीलरेशन का। तो लो आपको मैं साइन कोस उनके कर्व खींचता हूं, पहले चलो पेज खाली करें वापस, देखो डी ए ध्यान सुनना, लो एक साथ ले लेता हूं मैं चीजों को, ये बहुत प्यारी चीज है भैया, ये डीएर आप सब जानते हो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको देखो ऐसे, लो आप तो पूरी चीज पढ़ लो एक साथ ही लो यार, एक करो बना दिया, दो बना देते हैं, तीन बना देते हैं और चार बना देते हैं, इधर सब में क्या है t है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कर्व किसको शो करता है y, तो ये कर्व हमारा शो करता है y, ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम होता है जिसको आप a कह सकते हैं, तो ये है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी आपका जो पार्टिकल है वो इस प्रकार से पहले इधर जाएगा, फिर दोस्तों वापस इधर आएगा, फिर आपका मैक्सिमम इधर जाएगा और फिर वापस वो इधर आएगा। दोस्तों डायग्राम थोड़ा बनने में दिक्कत होती है इसमें, ये वन ऑक्सीलेशन है, ये पूरी एक घटना है, ये मीन पोजीशन है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके डियर, जिसको अपन यहां एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये साइन का कर्व है, अब यदि मेरा ये क्या है, ये जब तब है जब आप स्टार्ट यहां से होते हैं, यदि आप स्टार्ट अधिकतम से हो गए मैक्सिमम से, तो दोस्तों ये कर्व आपका ऐसे बन जाएगा। लो जी ये किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को, ये y था और y को आपने एक बार क्या कर दिया डिफरेंशिएट, ये किससे बना, तो ये आपके सामने क्या बन गई वेलोसिटी बन गई, ठीक है डियर। तो आप देखो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, मैं तो डायरेक्ट कर दूं, इसको एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, और मैं इसको आगे दोस्तों फिर करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा a, तो ये क्या बनेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अब देखो ये वाई का डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसका हो गया वेलोसिटी का। अब यदि मुझे इसको करना एक्सीलरेशन में, तो जैसा वाई है वैसा ए है, बट किसका साइन है माइनस का, तो बस डियर इसको आप ऐसा उल्टा कर दो, लो क्या दिक्कत है, क्लियर। और ये आपका कोस है, बाय चांस कहीं माइनस कोस करना हो तो डियर आपका ये कार्यक्रम स्टार्ट यहां से हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है डियर। तो ये आप देखें एक मिनट, लो जी ये लो, तो ये आपके सामने किसको बता रहा है ए को। ये देखा जाए तो दोस्तों 0 डिग्री पे कह सकते हैं इसको, 90 डिग्री पे कह सकते हैं, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये आपका 360 डिग्री है। हर चीज कानून से नहीं होती किताब सब्जेक्ट में भैया, ये एग्जाम है कॉम्पिटिटिव सब्जेक्टिव नहीं है, ये हर चीज कानून से नहीं चलती है, कुछ जगह आपको ट्रिक्स और सोटे मारने होते हैं चीजों के,
बस ये रहा, ये वेलोसिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है। कब है? जब आपका स्टार्ट किससे हुआ? ये वाई साइन से स्टार्ट कहां से हुआ? ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है डियर। अब इसका ठीक उल्टा ऐसा हो गया। अब यदि अपन इसको थोड़ा सा कोस के रूप में कन्वर्ट करें, कोस वाले में उल्टा कैसे करना हो, तो आप जानते हो दोस्तों कोस स्टार्ट ऐसे होता है, अब ये क्या इक्वेशन है, ये y इक्वल टू कोस, ए लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको उल्टा करें, जैसे आपने a निकाला तो a क्या बना, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा। अब मैं तेरे क्वेश्चन पे आ गया हूं, तेरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ये तेरा कर्व है, ऐसा है, ये तेरा कौन है, मूल कर्व होगा किसका, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी का। अब प्रश्न में तू चल, क्वेश्चन में चल देखे, तो वहां उसका पूछा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये तो बनेगा भाई, सीधी सी बात है, इसको तो एक बार करेगा तो माइनस साइन आएगा, फिर दोबारा करेगा। अब दोस्तों ये जो स्टार्ट यहां से था, वो दोस्तों स्टार्ट कहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, बस यहां से स्टार्ट होके दोस्तों इसको यहां ले आओ, लो क्या दिक्कत है, लो। तो समझने की कोशिश कर, एक करो मैंने साइन से लिया, एक करो मैंने कोस से ले लिया, तो मैं चारों को एक साथ भी खेल सकता था, पर मैंने साइन को कोस को माइनस साइन को वहां खींच के बता दिया, यहां मैंने कोस के साथ माइनस कोस खींच दिया, ताकि तेरे समझ आ जाए आराम से। डियर ये कुछ नहीं है, हकीकत में ये कोई पेंडुलम है, ये इस तरह से मान लो कि बस यहां से यहां ये मूव कर रहा है, ये मान लो पार्टिकल है, पेंडुलम है, कण है, इन सब का मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये पार्टिकल है, ये आप इस पथ पे मूव कर रहा है, तो याद करो ना इसके ऊपर इसका डालते हैं प्रोजेक्शन, तो ये दोस्तों इस जीरो के प्लस ए से लेके माइनस ए के विद रिस्पेक्ट ये एक स्ट्रेट लाइन पे एस एच एम करता है, वो हम जानते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की पालना करना होता है, याद है ना, हेलो हेलो सीधा बोल दूं, या तो एफ इक्वल टू माइनस ना नोट, या एक तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की पालना होती है, एक अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई की पालना होती है, कोई पार्टिकल एस एच एम के दो कंडीशन है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये सब थ्योरी आपको मेरे साथियों पढ़ाया हुआ है, क्लियर। आ जाओ अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखो स्पष्ट कहता है ये, हाँ भाई भाई एक्स वाई में फर्क नहीं है, एक बार ये एक्स है, इसका त्वरण चाहिए, तो एक्स के कर्व को उल्टा करो, एक्स के कर्व को उल्टा दोस्तों आपके सामने सामने स्पष्ट रूप से कौन सा है, आंसर नंबर थर्ड हो गया है। ओके मैंने पूरा समझा दिया, आंसर आ गया, एग्री, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 155 AIPMT 2015। इस लाइव को जो लोग, इस शूटिंग को जो लोग देखेंगे, उनको एक बात कह दूं कि यदि आप CLC के इस सेशन के रेगुलर स्टूडेंट हैं, इस सेशन यानी 2019-20 के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे टारगेट के हों, चाहे TS के हों, ब्रांच कहीं भी, यदि आप 2020 के CLC के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो प्लीज आप हमारा ये वाला मोबाइल नंबर आप CLC के नाम पे प्लीज सेव करें, 9799365555, प्लीज मेरा ये नंबर आप सेव करें, क्योंकि मैंने आप सारे बच्चों की ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं, या बन चुकी है, या बन रही है, काम चल रहा है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हम आपको फिर कुछ कॉमन क्वेश्चन भेजा करेंगे, कॉमन वीडियो भेजा करेंगे, बट वो दोस्तों आपके मोबाइल में, आप जानते हो नहीं तो सुन लो, ब्रॉडकास्ट में अगले के मोबाइल पे वो तभी ओपन होता है या मैसेज सेंड होता है जब वो नंबर आपके पास सेव हो, तो आप दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपने CLC में दे रखा है, उस मोबाइल में आप 9799365555 को CLCC करके नाम पे सेव कर लें, ठीक है ना, दरअसल चीज का। आ जाओ जी, क्या कहता है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, पिछाना एक मिनट, देखो दोस्तों ये 14 में आया, आगे चलो ये 15 में आया, हर एग्जाम में क्वेश्चन का आ रहा है। अगला कहता है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड v1 v2 रेस्पेक्टिवली इट्स टाइम पीरियड। देखो ये ऐसा प्रश्न है, मैं इसको पेंडुलम समझाता हूं, पार्टिकल वाली बात क्या थोड़ी कई बार समझ नहीं आती आदमी के, दोस्तों मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूं, करने को तो टेक्निकल गलत कर रहा हूं, दोस्तों यहां से यहां तक जाने की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, ए है, माना पहले कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, सॉरी ए नहीं कहेंगे, दिक्कत रहेगी आपके सामने, इसको अपन कोई पॉइंट पी कह दें, इसको पॉइंट क्यू कह दें, तो यहां इसकी डिस्टेंस क्या है x1 है, यहां इस डिस्टेंस क्या x1 है, यहां वेलोसिटी क्या है v1 है, यहां वेलोसिटी क्या है v2, अलग अलग पॉइंट है। आप देखो दोस्तों ये पेंडुलम, आप हाथ देखिए मेरा, ये पेंडुलम है,
यहां वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाती है, और यहां वेलोसिटी क्या होती है जीरो। ओ भाई पीक पॉइंट होता ही वो है यार जब वेलोसिटी जीरो होती है। पूरी बात सुन ले, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम या वेलोसिटी मैक्सिमम या वेलोसिटी जीरो, यहां एक्सीलरेशन जीरो या एक्सीलरेशन मैक्सिमम या काइनेटिक है मैक्सिमम या काइनेटिक है जीरो या पोटेंशियल जीरो सॉरी मैक्सिमम या सॉरी या पोटेंशियल जीरो या पोटेंशियल मैक्सिमम, मैं सब की बात करूं आपसे ठीक है ना। आ जाओ तो साफ कहता है कि कोई पार्टिकल है जो एक्स वन पे वेलोसिटी ये है, वाई पर वी वन वी टू है, इसका एक डेरिवेशन है। शुरू करूं इसको भी लोग आपको पूरा सोल्व कर दिखाता हूं। सुनील सर पेज निकाले, देखो डियर अभी आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और उसको अल्फा कह रहा हूं मैं यहां पर, अल्फा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखो ओमेगा यहां एंगुलर वेलोसिटी है, a एम्पलीट्यूड है, y डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है, अल्फा एक्सीलरेशन है। ओ भाई कौन सा लीनियर है, एंगुलर नहीं है रही है, ये कोणीय त्वरण नहीं है, ये ध्यान का अल्फा है, ये अल्फा रहेगा ध्यान का चीज का, इस अल्फा अरे एक्चुअल में क्या है कि उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं यार, बट मजबूरी है कि हाँ ए काम ले लिए इसलिए अल्फा काम ले लेते हैं। अब इसको देखो आप थोड़ा सा सोल्व करो, आ जाओ डियर ये तेरा क्या है, वी इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, पूरी क्लास जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाओ शुरू, चल बेड़ो ओमेगा बाहर निकाल, इसको मैं ऐसा कर दूं तू कहे तो रूट भी कर दूं स्क्वायर भी कर दूं, मेरी इच्छा नहीं है भैया, अपनी कोई इच्छा नहीं चलती है इसके अंदर, इच्छा अगले की चलती है भैया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये रहा तेरे सामने, साइन ओमेगा टी क्या होता है वाई अपॉन ए, बोल बोल साथ ओले मेरे फटाफट, फायदे में रहेगा अगले साल किसी कोचिंग में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वी इक्वल टू ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो एक रिश्ता बन गया दोस्तों, वी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोल हाँ या ना, आया बात का मजा, वी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बात को दोस्तों ध्यान सुनो, पढ़ाने के दो तरीके हैं, एक एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाए, एक टीचर केवल अपने इमेज के लिए पढ़ाए, बस इस इंडस्ट्री में पिछले 10-11 साल से बड़ी विकृति आ गई है, एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग धीरे धीरे लोगों की कम होती जा रही है, इसीलिए बच्चा प्रेशर में है, बच्चा डिप्रेशन में, पता नहीं अजीब सा खेल है भैया, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं जी, पर इतना जानता हूं कि सीकर में नीट का सबसे बेस्ट प्यारा रैंक 33 सुनील बिश्नोई का दिया हुआ है, जो हमारी सीएलसी का स्टूडेंट है, जो आज तक सीकर का दूसरा कोई इंस्टीट्यूट दूसरा कोई बच्चा क्रेक नहीं कर पाया उसको, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का एक पढ़ाने का जो लेवल है वो बस ऐसे रहता है कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से वही पढ़ाएं उसी पे टेक करें जो एग्जाम में आता है डीएल। अब आ जाएं आप भाई, वी इक्वल टू ओमेगा वापस है, वापस है, वी वेलोसिटी कब है? किसी वाई डिस्प्लेसमेंट पे, वी वेलोसिटी यहां किस पे है, ए क्या है एम्पलीट्यूड, वाई क्या है दूरी डिस्टेंस कहां से ओरिजिन पॉइंट से या मीन पोजिशन से। ओके डियर चलो आगे आ जा भैया, अब आ जा, अब तेरे सामने क्वेश्चन है डियर, मैंने तेरे क्या पढ़ाया v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तेरा क्वेश्चन खुद कह रहा है x1 पे वेलोसिटी v1 है, x2 पे v2 है, दोस्तों जो वेरी करता है उसके पीछे 1-2 लगा देते हैं, आ जा v1 इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v2 इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। दोस्तों a के पीछे 1-2 नहीं आया क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी ना a बदलता है ना ओमेगा बदलता है, और ओमेगा नहीं बदलता है तो याद करो रे दोस्तों t भी नहीं बदलता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जो मेडिकल क्वेश्चन होते हैं ना t बदलता है ना ओमेगा बदलता है ना a बदलता है, बस v1 v इक्वल टू ये तो मंत्र पूरा करा दिया ना, v इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो वेरी करता है उसके पीछे 1-2 लगा दिया। ओके डियर अब आगे चल, अब एक काम कर इनका स्क्वायर कर ले, a ये स्क्वायर कर लिया तो v1 स्क्वायर, देख चल मेरे साथ बोर्ड पे ओमेगा स्क्वायर सीधा कर दूं, a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, चल बिड़ो टीका बिटा दिया बस,
अब तेरे सामने सामने है, क्या बना भैया? वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, सीधा कर दूर है ये ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, तो तू कहे तो इसको ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये तब समझ सकता ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, हेलो हेलो इतना कर सकता हूं यार, ओमेगा स्क्वायर है, वापस एक काम कर रूट कर दो जब सब तरफ है, तो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर ऐसा कर ले, चलिए फिर तो इजी कर दें, एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, बोल हाँ ना बोल 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 बस ये ले, तो ओमेगा रूट कर दे, जैसे रूट करेगा ये क्या बन जाएगा, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। अगले ने क्या पूछा भैया, कण का आवर्तकाल पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, वो तेरा क्या होता है, टू पाई बाई टी, तो मेरे दोस्त टी को इधर ले जा, टी को इधर ले जा, टू पाई वहां रख और इसको उल्टा कर दे यार, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस, ये ले भाई आंसर नंबर है तीन, बता कोई दिक्कत, बेस्ट क्वेश्चन है यार, फिट है इस पे, मुझे याद है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीधा बोलूं, कोई पार्टिकल है 4 सेंटीमीटर पे, उसकी वेलोसिटी 6 है, थोड़ा सीधा कर दूं तरीके, 4 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी 6 है और फाइव सेंटीमीटर पे इसकी वेलोसिटी मान लो कि आप 10 है, एक एग्जांपल है, माना कोई पार्टिकल है, एक्स वन क्या है 4 है, एक्स टू क्या है 5 है, वी वन सीधा कर दूं 25 का स्क्वायर माइनस सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 क्या बचे 9, तो ऊपर क्या बच गया 3, नीचे क्या है v1 स्क्वायर, सॉरी ये गलती कर दिया, यहां ज्यादा होगी या कम होगी ये पकड़ने जा पहले, तो 100 माइनस 36 क्या बचा 64, कितना बचा रहे 8, चलो इस प्रकार इसका एक आंसर बन जाता है, तो कहने का मतलब है एग्जाम में ऐसे डेटा भी आ जाते हैं, तो डियर बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये कि x1 पे v1 वेलोसिटी है, x2 पे v2 वेलोसिटी है, तो इसका टाइम पीरियड निकलाओ, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 156 लो, पढ़ लो एक बार आप लोग, मैं रुकता हूं एक मिनट, पढ़ लो आप, क्या कहता है, टू सिमिलर स्प्रिंग्स p एंड q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट्स kp kq, kp kq से बड़ा है ध्यान रखें, दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट एंड देन सेम फोर्स, तो कहता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग wp wq आर रिलेटेड एज इन केस फर्स्ट एंड बी, ये आपके ऑप्शन है, ओके आप अगला पेज निकालो, देखो डियर ये क्वेश्चन क्या सुनो, जरूर नहीं हर चीज किताब से पढ़े अपन, ये दो केस है ना इसके, तो अपन फर्स्ट केस की लो बात कर लेते हैं, ये कहता है दोस्तों जो स्प्रिंग है दिस इज केपी दिस इज केक्यू, और अगला स्पष्ट कहता है केपी ग्रेटर देन केक्यू, यानी ये स्प्रिंग के का मतलब हार्ड स्प्रिंग, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके स्कूटर का सोकर है और ये आपकी सिंपली जो अपनी बॉल पेन होती है उसकी स्प्रिंग है, आप बोल जाओ फिजिक्स को, ये एक स्कूटर का सोकर है और ये हमारी बॉल पेन की स्प्रिंग है, अब ये कहता है स्पष्ट कहता है इन दोनों को समान डिस्टेंस तक खींचना है, भूल जा फिजिक्स को यार, एक आदमी कहता है स्कूटर का सोकर भी 2 सेंटीमीटर खींच और बॉल पेन की स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खींच, तो कॉमन सेंस की बात जोर किस में आएगा ज्यादा, स्कूटर वाले में जोर आएगा, जोर का मतलब वर्क होता है, तो डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू, प्लीज आप क्वेश्चन के अंदर आए, और अब यदि क्वेश्चन देखता हूं मैं दोस्तों तो आप इसको मिटा दूं एक बार किए हुए को, ऐसा ऑब्जेक्ट केवल एक में है, तो पहली बात तो आगे करना बेवकूफी है, आंसर आ गया, एग्जाम ऐसी होती है, लेकिन अपन अगला भी करें तो वापस खाली पेज पे आए, खाली पेज अगला क्या कहता है कि भाई ये वो स्प्रिंग है, फिर वो स्प्रिंग है, वो तेरा केपी है, वो तेरा केक्यू है, अगला स्पष्ट कहता केपी क्वेश्चन वही है, अब यहां क्या कह रहा है कि दोनों को फोर्स क्या है, दोनों में सेम है, सेम फोर्स से खींचे, यार एक सिंपल फॉर्मूला गलत है, टेक्निकल गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरा काम हो रहा है एग्जाम में, डब्ल्यू इक्वल टू दोस्तों आप जानते हो फोर्स क्या होता है, एफएक्स होता है, ये स्प्रिंग पे नहीं होता ऑलमोस्ट देखो, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफएक्स है, यानी वही बल तो तू लगा रहा है सोकर पे, वही लगा रहा है स्प्रिंग पे, भूल जा फिजिक्स को, उतने ही बल से तो तूने स्प्रिंग को खींची,
उतने ही बल से तूने आपके सॉरी स्कूटर के सोकर को खींचा, उसी बल से तूने खींचा बॉल पेन की स्प्रिंग, ज्यादा कौन सी खींच जाएगी तेरी, खुद बता यार, बॉल पेन की स्प्रिंग तो एक्स ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, वर्क ज्यादा हो जाएगा, तो यहां डब्ल्यू क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। वापस क्वेश्चन में आ जाए तो अगला ऑब्जेक्ट क्या है, डब्ल्यू क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये कहती है कि फर्स्ट निकलने के बाद आप देखो, पहले ऐसा ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, सेकंड निकालना एग्जाम का पैटर्न नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दे इस चीज पे, ये आपके सामने। बाकी दोस्तों हकीकत क्या है, खाली पेज करें लोग, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी आपको थोड़ी बता दूं कि ये कोई स्प्रिंग है, इसका कोफिशियंट के है, इसको मैं किसी कारणवश दबाऊं या फैलाऊं, यदि मैं इसमें अक्स कंप्रेस करूं या एक्सटेंड करूं तो मुझे वर्क करना होगा। लो मैं इस टॉपिक की थोड़ी बताता हूं, एक स्प्रिंग है, मैं इसको एक्स दबाऊं तो मुझे कार्य करना होगा, एक्स खींचूं तो मुझे कार्य करना होगा। और दोस्तों ये वेरिएबल है, इसलिए इसमें डब्ल्यू इक्वल टू एफ बल कार्य बल गुणा विस्थापन वाला सिंपल इक्वेशन काम नहीं आ सकती है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एक्स वो चेंज इन लेंथ है, इसमें कंप्रेशन का हो चाहे आप एक्सटेंशन कहो, वह है तो W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको कई बार वर्क कह देते हैं, यही इसमें स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इज इट क्लियर, ओके थैंक यू। सेवन, ये फिर AIPMT 2015 में आया है, तो आप देखो AIPMT 2015 में SHM के अब तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो एक मात्र 5 घंटे का टॉपिक होता है। 5 घंटे में कोई बंदा जीरो से पढ़ के स्टार्ट करना चाहे ना तो भी ऐसे तैयार कर सकता है। आ जाओ, क्या कहता है, वेन टू डिस्प्लेसमेंट बाई y1 y2 सुपरपोज कर दिया, तो अगला कहता है इसको सुपरपोज करना है। देख डियर, ध्यान दे, y1 इक्वल टू है a साइन ओमेगा t और y2 इक्वल टू है a कोस ओमेगा t। इसको मैं ऐसे लिख दूं, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। आप जानते हो ना कोस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे होता है। दोस्तों सिंपल बात है, दिस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का ए नहीं बी, यहां पर कोई गलती लिखने गलती हुई, ए बी बी है, इसको मैंने साइन कर दिया। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वेक्टर वाला कार्यक्रम काम आता है, इसमें वो सेम कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, फाई यहां पर फेज है। दोस्तों यहां आपको हमेशा फेज निकालना होगा, फेज निकालने की पहली शर्त होती है दोनों इक्वेशन या तो साइन में होनी चाहिए या दोनों कोस में होनी चाहिए। यदि दोनों साइन में नहीं है, दोनों कोस में नहीं है, तो गांठ बांध लो, जहां कोस लिखा होता है ना वहां साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। अगर आप लोग तो सुन ले रहे, दोनों साइन कोई टेंशन नहीं, दोनों कोस कोई टेंशन नहीं, बट एक साइन एक कोस है, तो PMT का स्टूडेंट है भाई, तो कोस तू जानता साइन से 90 डिग्री आगे होता है, तो कोस इक्वल टू था साइन 90 प्लस थीटा, बस 90 जोड़ दिया तो ये ए ये बी और ये आपका 90 फेज हो गया। अब तो जानता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 90 का मान 0 हो गया, तो इसका जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दोस्तों वह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये आपकी ऐसा चम करेगी, बात ही नहीं है कोई दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है, वो तो कंडीशन वही है, इससे थोड़ी डिस्टर्ब होती है कंडीशन। ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 157 जो है ना, इसमें फेज डिफरेंस निकालना आया, ये मैं आपको निकाल देता हूं। क्यों, ये मेरे SHM में काम आएगा, ये मेरे प्रोग्रेसिव वेव में काम आएगा, ये मेरी AC में काम आएगा, ये बहुत काम का है, सुन लो, करता हूं पूरा आपके लिए। दोस्तों आप देखें पेज खाली करें, दोस्तों देखो सबसे पहले माना कि वाई बराबर, इसका आप y1 लगा दो, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 1, दूसरा है y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 2। चलो फाइव के चक्कर में डालता हूं आपको, मैं कहता हूं ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, एक इक्वेशन है y बराबर ए साइन ओमेगा प्लस 30 डिग्री, दूसरे 60 डिग्री पे, यानी ये मूल कंडीशन 30 डिग्री आगे है, ये 60 डिग्री आगे। अगला कहता फेज डिफरेंस निकालो, तो दोस्तों फेज डिफरेंस सिंपल सा 5 2 माइनस 5 1, 60 माइनस 30 प्लस डिग्री लगा देना, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट चलेगा इसमें भैया। तो दोस्तों ये आपके सामने 30 डिग्री इसका आंसर आ गया, हो गया। ये क्या था, जब दोनों साइन थे, अब मैं दोनों कोस ले लेता हूं आपके सामने, तो y1 इक्वल टू a y1 इक्वल टू a कोस ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, y2 इक्वल टू a कोस ओमेगा t प्लस मान लो कि 90 डिग्री। तो यहां डेल्टा फाई क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डेल्टा फाई क्या हो गया, 60 डिग्री, बोला है ना। दोनों साइन थे,
सीधा निकाल दिया, दोनों कोस थे सीधा निकाल दिया, अब आगे चल, एक साइन एक कोस हो तो दोस्त केवल इतना लिखा हुआ हो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी और एक लिखा हो y इक्वल टू कोस ओमेगा टी, तो यहां तो बिना पंडित जी को पूछे तो फाई का मान क्या कर दिया रहे 90 डिग्री कर दी, क्योंकि कोस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे पंडित, जैसे मान लो कहते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और दूसरा कहता है y इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये बना दिया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, y बराबर a कोस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब यहां दोस्तों 60 में 30 माइनस मत कर देना कहीं, तो एक इक्वेशन किसमें है साइन में, दूसरी किसमें है कोस में है, तो प्लीज आप हमेशा जहां कोस थीटा लिखा होता है वहां हमेशा साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया करो। कैसे, ये देख, साइन स्टार्ट यहां से होता है, कोस स्टार्ट यहां से होता है, कोस हमेशा साइन 90 डिग्री आगे होता है। इतना समझ आ गया हो मेरे हिसाब से यार? ओके डियर, तो तेरे सामने क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छा सा कि जब एक साइन में हो एक कोस में हो तो दोस्तों फिर उसका जो डेल्टा फाई बनाना हो तो वाई बिकेम्स वाई साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो दोस्तों यहां डेल्टा फाई क्या है, फाई टू माइनस फाई वन, व्हाट इज फाई टू 150, फाई वन बोले तो 30, आंसर क्या आएगा माय डियर 120 डिग्री, ये ना 30 और ये 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, आंसर क्या आ गया 1, ये फेज डिफरेंस निकालने का फंडा हो गया। क्लियर, एक बात और सुन ले यार, तू भी याद रखेगा, तीन शब्द होते हैं टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ओके दोस्तों, और डिस्टेंस का डिफरेंस। आ जा, कोई भी ये फिनोमिना है, तेरे को टीचर पढ़ाएगा SHM y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तेरे को टीचर पढ़ाएगा प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तेरे को टीचर पढ़ाएगा AC क्या बोलेगा रे i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t, तीनों एक जैसी हैं। इसको मैं बोलता हूं एक घटना, थोड़ा हिंदी से बोल लो, एक घटना, पूरी एक घटना है, यानी जहां से चले वापस वहीं आगे, दिस इज वन ऑक्सीलेशन। दोस्तों एक ऑक्सीलेशन में आप जानते हो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं लेमडा, एंगल को क्या बोलते हैं 2π, टाइम को क्या बोलते हैं टी, सुन रहे 2020 में क्वेश्चन पक्का आएगा, वीडियो अपलोड हो रहे, देख लेना जाके, मिला लेना यार, इतना तो विश्वास है अनुभव के ऊपर। डिस्टेंस क्या कहलाती है लेमडा, एंगल 2π, टाइम पीरियड टी, ये इसकी मूल कहानियां हैं। अब यदि इनमें आपस में कोई रिश्ता बनाना हो तो रिश्ता ऐसा बनेगा रे, कला में कलांतर का भाग दे दो, पथ में पथांतर का भाग दे दो, और टाइम समय में समय का समांतर का भाग दे लो जी, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है रे, 2π अपॉन डेल्टा फाई इक्वल टू लेमडा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू टी अपॉन dt, ये ले। अब इस ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी पाथ डिफरेंस दे दे, इट कॉल्ड फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, आपस में ऐसा जोड़ता शानदार वाला उठाई निकाल देना, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 158 जो पढ़े, ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। आ जा, इसका मतलब यह है कि कोई स्प्रिंग है जो ऊपर से बंधी हुई है और नीचे इसके माय डियर सन एक m मास लटका हुआ है, द स्प्रिंग हैज नेगेटिव मास, स्प्रिंग कोई मास नहीं है, When the mass is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. सुन आ क्या कहता है, देख, ये इसकी कौन है? मेन पोजीशन है, ठीक है डियर? यदि इसको मैं से खींच के छोड़ूंगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करेगी, ये ऑक्सीलेशन करेगी। अब वो SHM होता है कि नहीं होता तो बात की बात है, पर मेडिकल में SHM होता है, मेडिकल में डैम्पिंग होता ही नहीं ना भाई, ऐसी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाते हैं क्यों, ये क्या होगा, एक ऑक्सीलेशन है, इसका टाइम पीरियड क्या है 3 सेकेंड। Okay. अब कहता when the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. दोस्तों अगला साफ कहता है अगले क्वेश्चन में कि वो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पे अब आपने क्या किया, इस मास के साथ 1 किलो का मास और लगा दिया और फिर उसके साथ आपने उसको फिर हिला के छोड़ा, तो जो दोस्तों टाइम आपका 3 सेकेंड था वो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, अब 5 सेकेंड। तो यह कहता दोस्तों एम की वैल्यू निकालो, पक्का ना, एक स्प्रिंग है लटकी हुई है एम है, खींच के छोड़ दिया टक 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 खिलेगी, दूसरी बार एम प्लस वन कर दिया ऊपर नीचे होगी, ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2,
अपना मास्टर फंडा जी, समीकरण एक बनाओ, हिंदी सुन ले रहे, समीकरण एक बनाओ, समीकरण दो बनाओ, जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ और समीकरण एक में समीकरण दो का भाग टिकाओ, फिट है, चल रहा 96 से। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जो डेटा वेरी करते हैं उसके पीछे 1-2 डिनोट करो और 1 को 2 से डिवाइड कर दो, मजा नहीं, मजा से आता है। समीकरण एक बनाओ, समीकरण दो बनाओ, जिसके बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग टिकाओ, करें शुरू। चलो जी, तो मैं यही कर देता हूं दोस्तों। आप जानते हो टी का फॉर्मूला होता है 2πm/k, हाँ या ना, जानता होगा, कोई भी स्प्रिंग पे मास m मास लटका हुआ हो तो उसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2πm/k। तो पेज खाली करें भैया, आ जाओ डियर, अब खुद देखिए रहा, तो तेरे पास 1 2πm के पीछे 1, टी के पीछे एम के पीछे 1-2 नहीं आएगा भाई, स्प्रिंग वही है ना, देख टी के वन आया, एम के वन आया, के वन नहीं आया, बस थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा बात का यार। टी इक्वल टू 2πm/2k, 1 बनाई, 2 बनाई, बदला उसके 1-2 लगाए, 1 में 2 का भाग टिकाया, टिका 1 में 2 का भाग, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जब भगवान ने देर की सुविधा अपने को तो काम ले इसको, तो t1/t की बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। t1/t2 इक्वल टू m1/m1+, नोट एक बार पूरी बात करेंगे लो, m1/m2, आ जा डियर सोल्व करते हैं। t1 बोले तो 3, मैंने कह रहा हूं अगला कहता है, t2 बोले तो 5, m1 बोले तो m, m2 बोले तो m+1, अगला कहता ना पहले मास m है, तो करना सीख यार, अबे थोड़ा खोपड़ा खोल के बैठ, पहले m है फिर m+1 कर दिया, अब दोस्तों इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करें तो मैं थोड़ा सा, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 25, ये m+m, ये क्या है 9m+9 इक्वल टू क्या है 25m, 9 को इधर रखे, 25 को दोस्त उधर ले जा और फिर आप इसको गुणा भाग करेंगे, तो जरा बोलना सर क्या रहेगा, 9 इक्वल टू 95 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 16। तो दोस्तों m इक्वल टू क्या है आपका 9/16, 9/16, ये लो जी आंसर नंबर 3, 158 का आंसर नंबर 3, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159 एग्जाम 2017, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लो पढ़ लो मेरे साहब। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, चलो प्रश्न कहता है वैसे से कर, यानी ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जिसको अपन अक्ष कहते हैं, याद है ना, अक्ष किस डिस्टेंस पे, अगला 2 सेंटीमीटर पे है, ओके तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल दैट ऑफ एक्सीलरेशन, देन द टाइम पीरियड इन सेकंड इज, दोस्तों क्या कहता है, हिंदी पढ़ ले, कि कोई कण है वो SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 3 है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जब ये होता है उस समय उसकी वेलोसिटी और इसका एक्सीलरेशन दोनों बराबर होते हैं, तो वो कहता उस समय का टाइम पीरियड बताओ। चलो डियर मैं ऐसा करता हूँ, पेज खाली करें भाई आपके लिए दोस्तों, पूरा कर दो, देखो इसको, देखो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा, वहां पर पूरी बात और कर लेता फटाफट लो। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और दोस्तों अल्फा इक्वल टू क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसका सॉल्यूशन आपको याद हो, मैंने कर दिया था, क्या था रे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तेरे लिए थोड़ा सा और सिंपल कर दूं, ओमेगा स्क्वायर को बाहर लगा, ये तेरा ए साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी क्या बन जाता है, ले पेन का कलर चेंज कर ले, ये तेरा वाई बन जाता है, ये तेरा वाई हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या है रे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, चल दोस्त वी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, याद करने पड़ेंगे भाई, रास्ता नहीं। अगला कहता है ए का मान तो है 3, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन आ जाओ आपस एक बार, मैं इसको बिठाता हूं, मेरे याद है मैं लिख दूंगा आपको, दोस्तों ए का मान है 3 और एक्स का मान है 2, तो मेरा क्वेश्चन क्या बना था, मेरा क्वेश्चन बना वी ओमेगा, ले थोड़ा तेरे सुंदर लिख देते हैं यार, तू भी याद रखेगा, ये ले राजी खुश, चल यार तू भी याद रखेगा, ले आ जा तो वापस टीचिंग में कूद ही गए 4 साल के बाद, तो फिर पूरी बात करते हैं, आ जा डियर। अगला खुद कहता है कि उस जगह वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बराबर हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जब किसी 2 इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट इक्वल होते हैं तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं, इक्वल कर दे, ओके
तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे सामने सामने है। अब तेरे को क्या चाहिए, इसका टाइम पीरियड चाहिए, तो एक काम कर, इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट कर दे, ये क्या बचा माइनस ओमेगा वाई, तो दिमाग क्यों लगा रहा है, माइनस हटा दे यहां से, माइनस को छोड़ पे, माइनस प्लस कर दे चाहिए, क्योंकि माइनस तो केवल दिशा को शो करता है, माइनस तो शो करता है डायरेक्शन को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम पे। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है वाई आ जाए डियर। ए कितना भैया तेरे सामने तीन, तो ये तेरा नो, ठीक है डियर। वाई कितना है दो, देखो ना वाई कितना है दो 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 दो, ये रहा दो, तो ये तेरा चार, ये तेरा रूट के अंदर है, वाई तेरा दो है, ये तेरा आ गया रूट फाइव बाई टू, ओमेगा क्या होता है भैया टू पाई बाई टी, तो दोस्तों टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी इधर ले जा, ये तेरा टू पाई है, टू पाई टू रूट फाइव, टू पाई टू यानी फोर पाई बटे रूट फाइव, ये ले जी आंसर सेकेंड 159 का दोस्तों आंसर क्या हो गया, दो नंबर, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 नीट 2017। अगला कहता है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। बात समझो, एक के फोर्स कोएफिशिएंट की कोई या कांस्टेंट की स्प्रिंग है जिसको तीन टुकड़े कर दिए, जिसकी लेंथ का रेशियो 1:2:3, 1:2:3, कोई खास बात नहीं। अब वो कहता है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कॉन्स्टेंट इज के डैश। अब वो कहता है कि इनको वापस में जोड़ू सीरीज में, तो नया फोर्स कॉन्स्टेंट क्या निकल रहा है के डैश, और देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कॉन्स्टेंट इज के डबल डैश, तो कहता है के डैश और के डबल डैश रेशियो निकालो। वो कहता है एक स्प्रिंग है, उसके तीन टुकड़े कर दिए जो 1:2:3 रेशियो की लेंथ की रेशियो में है, उनको सीरीज जोड़े तो रिजल्टेंट के डैश आ गया, उनको पैरेलल जोड़े तो रिजल्टेंट के डबल डैश आ गया, तो कहता है के डैश के डबल डैश का रेशियो निकालें। ओके डियर, चलो जी इस क्वेश्चन से बाहर आके पेज खाली करें, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। दोस्तों देखो डियर, ये आपका एक क्वेश्चन है कि स्प्रिंग के लिए एक बात तुम अपने खोपड़े में सेट कर लो, के एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गांठ मान ले इसको भाई, कि स्प्रिंग में के और एल का मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, स्प्रिंग छोटी है एल कम तो के ज्यादा, एल ज्यादा के कम। अब तेरे सामने ये कोई स्प्रिंग थी, तो इस स्प्रिंग का माना कि टोटल लेंथ तू मान ले कि 6L है और फोर्स कोएफिशिएंट के है, 6L क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि मेरा वो रेशियो जो है 1:2:3 जो है वो 6 बन जाता है, तो बात वही गुणा भाग करके दोस्तों वही आती है, इसे खास फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी स्प्रिंग है, इसकी लेंथ माना 6L है, इसका फोर्स कोएफिशिएंट माना कि क्या है कि, अब इसको 1:2:3 में जोड़ा तो दोस्तों आपको के एल, तो देखो भैया के मल्टीप्लाई 6L, के वन मल्टीप्लाई क्या कहोगे एल इक्वल टू के टू मल्टीप्लाई 2L, और दोस्तों के थ्री मल्टीप्लाई क्या कहोगे 3L। ओके बस इक्वल कर लो, तो के वन इक्वल टू तो क्या आ गया, इन दो को कंपेयर कर लो ना, तो कलर चेंज कर लें पर इनके दो को कर लो, तो तेरा क्या आ गया के वन इक्वल टू 6K। अब इनको कर तो तेरे सामने क्या आएगा के टू इक्वल टू क्या आया डियर 3K। अब तू इनको कर तो देख एल से एल कैंसिल आउट है, तो तेरा के थ्री इक्वल टू क्या आ गया रे 2K। कहने का सीधा मतलब है ये स्प्रिंग है एक, दूसरी, तीसरी, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी लेंथ 3L है, इसका दोस्तों के है, इसका सॉरी उल्टा कर गया, इसका लेंथ एल है, इसका आपका 6K है, इसका आपका 3K है और इसका आपका 2K है। अब ये तीन इक्वेशन बन गया, एक स्प्रिंग है तांजा क्लास का जिसकी लेंथ एल है कॉन्स्टेंट 6K है, 2L है, 3K है और 3L है, 2K है, यहां पे बात पहले पड़ गई। चलो डियर अब मैं तेरे को एक मास्टर चीज देने जा रहा हूं, मेरा एक फंडा है LR और KP सिंह, ध्यान सुनना बात को, R रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला याद है ना, R1 R2 R3 को जोड़े सीरीज में तो R इक्वल टू होता R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको जोड़े पैरेलल तो क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों मेरे सिलेबस में 5 जोड़ है, रेजिस्टेंस का R, कोइल का L, स्प्रिंग का K, बल्ब का P और कैपेसिटर का C, 5 जोड़ है, गारंटी छटा गई नहीं है। तो ये तो दोस्तों दोनों एक तरफ हैं और ये दोस्तों इसमें अलग है, यानी R में जो रूल लगता सीरीज का वो बल्ब के पी में
या कैपेसिटर की सी में या स्प्रिंग के में लगेगा पैरेलल का, और जो रेजिस्टेंस में लगता है पैरेलल का वो तीनों लगता है सीरीज का, एल में वही होता है जो आर का होता है। अब आ जा, बस बात होगी अपनी, तू क्या जोड़ रहा है, स्प्रिंग जोड़ रहा है, तो सबसे पहले तूने स्प्रिंग कहां जोड़ी रहे, सीरीज में जोड़ी, पहला कितना है 6K, दूसरा कितना है 3K और तेरा क्या है 2K, तू कहां जोड़ रहा है सीरीज, ओ लड़के तू कहां जोड़ रहा है सीरीज, तो रूल कौन सा आएगा पैरेलल का, तो के डैश इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, दिस इज के डैश का स्क्वायर। दोस्तों आप इसको ले लें, इसको लेते हैं तो ये क्या है 1/6K + 1/3K + 1/2K, आ जा तू 6 ले ले यहां से, तो क्या बचा तेरा 1 बचा, यहां तेरा 2 बचा, यहां तेरा 3 बचा, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये डियर के डैश की वैल्यू तेरी क्या आ गई रे 1 आ गई। अब इसको तू जोड़ेगा मान ले पैरेलल में, तो पैरेलल में रूल किसका आता है काम, सीरीज का, तो सीरीज का रूल क्या होता जानते हैं अपन यार, R1 + R2 + R3, तो दोस्तों K इक्वल टू क्या आएगा K1 + K2 + K3, तो K डैश बोल देना, K डबल डैश, सॉरी क्या बोले इसको K डबल डैश, क्वेश्चन में क्या है K डबल डैश, वो क्या है तेरे सामने सामने 6K + 3K + 2K, तो व्हाट इज K डबल डैश दोस्तों 11K। ओके, कहने का मतलब है सीरीज में जोड़ा तो K का K रहेगा ना, बुद्धि क्यों लगा रहा है, स्प्रिंग है उसको तोड़ा फिर जोड़ा, इससे भाई के थोड़ा बदलेगा, ठीक है गुणा भाग कर दिया तेरे को मैंने, तो सीरीज का तो क्या आया के डैश के, और पैरेलल क्वेश्चन में आ जा, और दोस्तों क्वेश्चन में आ जा, सीरीज का तो क्या आया के डैश इक्वल टू के, और पैरेलल का क्या आ रहा है 11K, अगला के डैश डबल के डैश पूछ रहा है, ये ले भाई 1:11 160 का दोस्तों आंसर क्या आ गया रहे 2 नंबर, सुन ले भाई एल सी, सुन ले भाई 2 जोड़ हैं, एक जोड़ है तेरा एल और आर का, एक जोड़ है तेरा के पी सी का, स्प्रिंग का के, बल्ब का पी, कैपेसिटर का सी, हमेशा आर के उल्टे होते हैं। अब तेरे को आर का जोड़ नहीं करना होता तो भाई जी नीट की तैयारी करने है तेरे कोई अधिकार नहीं, वापिस जाता हूं। ओके डियर, बस ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो आपने स्प्रिंग की ब्रेकडाउन भी कर दिया, कॉम्बिनेशन उनका जोड़ भी कर लिया और आंसर निकाल दिया। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 161, वो कहता है ए पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अल्फा कह रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई ध्यान सुना, अल्फा ए है यहाँ पर इस टॉपिक में, चलो अल्फा की बजाय मैं ए नहीं बोलूंगा क्योंकि ए एक्चुअली बार बार यहाँ किसको लेता है, ए लेता है एक्चुअली में एम्प्लीमेंट डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दिक्कत होती है यहाँ पर कई बार। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन इज क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। एक कोई सरल लोलक है उनसे बॉन्ड लटका हुआ है, ये फालतू बात कर रहा तेरे से, ये पूछना क्या चाहता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, वो कहता है ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू 20 है और वाई पे वाई की वैल्यू तेरे को लेने दे रखी है, कुछ नहीं करना ओमेगा मान निकाल दे यार, अल्फा बोले तो 20, ओमेगा बोले तो निकालना है, वाई बोले तो 5, बस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 20/5 क्या बना रहा है 4, इले भाई ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया रहे 2, ओमेगा क्या होता रहे 2π/T, तो तेरा टी क्या आ गया भैया पाई, टी क्या आ गया रहे पाई सेकेंड, ये ले 161 का आंसर क्या हो गया तेरा थर्ड, ये एस दोस्तों सेकेंड को बता रहे यहां पर। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 नीट 2019 में आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रश्न पढ़ो पहले, क्या आप पढ़ लो एक मिनट, लो सब पढ़ो एक मिनट, आप टाइम देता हूं आप पढ़ने के लिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजिशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। साफ कहता भाई आरेख में वर्त की त्रिज्या, परिभ्रमण आवर्तकाल दिखाए गए हैं, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज, गुणन करते समय पी, दोस्तों एक सीधी सी बात सुनो, आप छोड़ो इस प्रश्न को, ये ऐसे है मैं यहां से यहां खड़ा होता हूं, ये कोई पार्टिकल है भाई, स्टार्ट यहां से हुआ है, यहां से चल के पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है,
हकीकत देखा जाए तो इसको दोस्तों ऐसे कहते हैं, इसका जो वाई प्रोजेक्शन होगा तो इस बिंदु के सापेक्ष ये माइनस वाई, ये तेरा यहां तक प्लस वाई, और इस अक्ष के प्रति इसका प्रोजेक्शन है, यहां ऐसे चम करता है, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, हमें इसके चक्कर नहीं पड़ना। कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों यहां की बजाय स्टार्ट यहां से कर रहा है, ऑलरेडी डांचाओ क्लास का ऑलरेडी ये किसी डिस्प्लेस मैक्सिमम पोजीशन से मोमेंट स्टार्ट कर रहा है। और दोस्तों मैक्सिमम पोजीशन से मोमेंट स्टार्ट करने का मतलब दोस्तों ये इक्वेशन बन गई, कोस बन गया, बस इसी से बात ये पॉजिटिव कोस बनेगा। बस जरा आप देखें बोर्ड पे, तो y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी हो गया। बस अब क्या करना है, तो तेरे सामने है a की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि रेडियस कितने सर्किल की 3, तो a की वैल्यू क्या होगी डियर 3, कोस ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी, टी खुद क्या होता है कितना 4 सेकंड, तो 2 पाई बाई 4, तो 2 पाई बाई 4 का कट जाएगा तो पाई बाई 2 टी, तो y इक्वल टू 3 कोस पाई टी बाई 2 वेर y इन मीटर। ये ले मेरे डियर, ये तेरे सामने क्वेश्चन आ गया, 162 का आंसर नंबर 2 हो गया। एक बार फिर देख ले इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक पार्टिकल है वो इस पे घूम रहा है, इस सर्कल पे घूम रहा है, वाई एक्स के प्रति हो चाहे एक्स एक्स के प्रति हो, आपकी इच्छा कर लो, किसको दिखाया अगले ने वाई को दिखाया। ये स्टार्ट हो रहा है अधिकतम डिस्प्लेसमेंट से, तो ये स्टार्ट किससे होगा, कोस से, न कि साइन से। ध्यान दे क्लास, ये स्टार्ट कोस से होगा, साइन से नहीं होगा। साइन से स्टार्ट तो कब होता, जब स्टार्ट कहां से होता, ओरिजिनल पॉइंट से, मीन पोजिशन से। बस ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी अगला खुद कह रहा है 4 सेकंड है, ए क्या है ए सर्किल का रेडियस, क्योंकि किसी भी ये कण यहां से यहां जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, सीधी सी बात है इसका यार जो 3 है, तो y इक्वल टू 3 कोस पाई बाई 2 टी, थर्ड आंसर, सेकंड आंसर आ गया। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 163 नीट 2019, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाई, बुद्धी क्यों लगाता है, कंप्लीट चक्कर का मतलब लौट के बुद्धू घर को आ गया, जहां से चले वापस वहीं आ गए। दोस्तों वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाती है। ओके थैंक यू। 164 नीट 2019, एक बात गौर करना दोस्तों, 162, 63 और 64 नीट 2019 में 3 क्वेश्चन दिए इस टॉपिक ने, ध्यान दे 62 भी इसी से है, 63 भी यही है, और 64 भी यही है। आ जाओ 164, देखो डियर क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन। दोस्तों यहां y इक्वल टू a नोट, इसमें एक बात गौर करना, इसमें ये दो टुकड़े कर दिए इस इक्वेशन के दोस्तों, a नोट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b कोस ओमेगा t, तो वो कहता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बताओ एक्चुअली क्या है ये, मैं एक चीज बताऊं, आप पेज खाली करें तो आप थोड़ा इसको भूलो एक बार, आप एक बार देखना, ये दोस्तों होती है प्योर डीसी, याद है प्योर डीसी, ये क्या होती है रे प्योर एसी। अब एक बात गौर करना कि ये कोई लाइन डैश 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 करके मैं बनाऊं और ये दोस्तों इस पे हो, तो ये आपको पता है ये एसी और डीसी का मिक्सर है, इस लेवल की तो कौन है इस पे ऑलरेडी डीसी है, और उसके बाद ये इसमें एसी है, एसी और डीसी का मिक्सर है, तो डीसी का एक लेवल आ जाता है, इस एसी की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस क्वेश्चन पे आ जा, सेम बात यही है कि दोस्तों यहां भी इस ए नोट का कोई रोल नहीं है, ये ए साइन ओमेगा टी है, ये बी कोस ओमेगा टी है, आप जानते हो साइन और कोस के बीच डियर फाई क्या होता है, फाई क्या होता है 90 डिग्री, अब तो जानता एक ए है एक बी है, फेज 90 डिग्री है, अपना फंडा काम ले फॉर्मूला, आर इक्वल टू ए वन लिख दू, तू कह चले आर इक्वल टू क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 90 जीरो हो जाता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट बन जाएगा, और मेरे भाई ऐसा आंसर फोर्थ है, तो 164 का दोस्तों आंसर हो गया फोर्थ। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 नीट 2013 में आया है, और दोस्तों अब क्या स्टार्ट हो गया हमारा, अब ऑर्गन पाइप स्टार्ट हो गया, यानी वेव स्टार्ट हो गया आपका, अब तक क्या था SHM, अब हम किस पे आ गए हैं वेव पे। ओके डियर, अगला कहता है इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन
एट बोथ एंड्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है वो तो बाद में पढ़ता हूं, मैं आपको एक बार क्लोज पाइप और ओपन पाइप की थोड़ी सी बात बता देता हूं। दो शब्द हैं यहां, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक और ओवरटोन, सनाधि अधिसवरक और मूलावर्ती। आज पांच मिनट लगेंगे इस पर बात करते हैं, पेज खाली करो भैया। देखो डियर ये मानना आपका कोई ओपन पाइप है, ओके तो ओपन पाइप है दोस्तों, तो इसमें इससे छोटी वेव नहीं बन सकती क्योंकि आप जानते हो यहां हमेशा क्या बनेगा, प्रस्पंद निष्पंद प्रस्पंद, यानी यहां क्या बनेगा एंटीनोड, यहां क्या बनेगा आपका नोड, और यहां क्या बनेगा आपका दोस्तों एंटीनोड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोड एंटी, इससे छोटा इससे छोटी वेव आप पैदा नहीं कर सकते। अब अपने एक बात जानते हैं अच्छी तरह से, ये चीज आपको आनी ही चाहिए, भैया नहीं आती तो माफी चाहता हूं आपको पढ़ना होगा। ये जो टोटल डिस्टेंस है, कह रहा हूं ये क्या आपकी लेमडा है, तो ये डिस्टेंस क्या है लेमडा बाई टू है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लू मैं, तो दोस्तों यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी लेमडा बाई फोर, ये पता होना चाहिए आपको। टोटल लेमडा है, ये डमरू बोलता हूं उसको मैं, आधा है वो लेमडा बाई टू, उसका वन फोर्थ क्या हो गया लेमडा बाई फोर, ये क्या है तेरा लेमडा बाई फोर, ये तेरा क्या है लेमडा बाई फोर। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम लेमडा वो क्या है लेमडा बाई टू, बस माना इस लंबाई क्या है इसकी एल, तो एल इक्वल टू लेमडा बाई टू और लेमडा इक्वल टू दोस्तों टू एल, ओके वी इक्वल टू एन लेमडा, एन इक्वल टू वी बट्टे लेमडा आ जा, तो एन इक्वल टू वी बट्टे टू एल। वी इस पाइप में स्पीड ऑफ साउंड है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, एल इसकी लेंथ है। ये दोस्तों इस ओपन पाइप में प्रोड्यूस मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम इसमें सनादियां पैदा करते हैं, इसमें हम हार्मोनिक्स पैदा करते हैं, क्लियर है। अब इसमें हार्मोनिक्स पैदा करते हैं डियर, तो आप देखो यदि मैं इसमें थोड़ी सी तेज हवा मारूं तो मेरे को एक डमरू दोस्तों कम से कम पैदा करना पड़ता, फिक्सर भैया ये इसमें बुद्धि मत लगा आपने, फिर आपको एक नोट डमरू एक डब्बा पैदा करना पड़ेगा, डमरू गलत बोल गया मैं, एक डब्बा ऐसे, ये आपको कम से पैदा करना होगा, यहां एक और पैदा करना होगा। तो आप देखें डियर अब तेरी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई लेमडा के बराबर आ गई, और यहां तेरा एल क्या है ये लेमडा बाई फोर, यहां से यहां लेमडा, ये लेमडा बाई फोर, तो ये दोस्तों तेरी कितनी आ गई थ्री लेमडा बाई टू आ गई। अब यदि इनकी वैल्यूज पुट करता हूं मैं तो दोस्तों यहां जो एन आएगा वो तेरा क्या आएगा v बाई एल, यहां जो तेरा n आएगा इसको n डबल डैश कह दे, इसको n डैश कह दे, इसको n ट्रिपल डैश कह दे, ये तेरा क्या आएगा ये आएगा दोस्तों इस पर 12 तो रहेगा रहेगा 2v बाई 12, ये एक्चुअली में इसको अपन ऐसे पुट करेंगे n डबल डैश v बाई एल, और ये तेरा है 3v बाई 12। तेरा पढ़ा पूरी साल में, ये क्लोज ओपन पाइप का कॉन्सेप्ट है, यहां तेरा एंटीनोड प्रस्पंद निष्पंद प्रस्पंद, एंटीनोड नोड एंटीनोड, ओके डियर। अब तू खुद कह रहा है कि ये लेमडा है तो ये लेमडा बाई टू है, ये लेमडा बाई, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद वहां तू लेमडा के बराबर डेवलप करेगा, वहां थ्री लेमडा बाई डेवलप करेगा, इन सब की वैल्यू पुट करेगा, तो दोस्तों मैं बोर्ड को खाली कर रहा हूं, और बोर्ड को खाली करने के बाद जो मेरी फ्रीक्वेंसी आएंगी वो सबसे पहले आएगी वी बाई टू एल, अगली मैं यू लिखता हूं टू वी बाई टू एल, और अगली है दोस्तों 3V by 2L, उसके बाद है 4V by 2L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये दोस्तों इसकी डबल है, ये इसकी ट्रिपल है, ये इसकी चार गुना है, तो ये है सेकंड सनादी, थर्ड सनादी, फोर्थ सनादी हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, हार्मोनी बोल दो, थर्ड हार्मोनी और फोर्थ हार्मोनी, जान चाहूंगा मैं ये सब कुछ अगले कुछ इसे डिपेंड कर रहे हैं। और ये इसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम आया है तो इट कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ये प्रथम अधिसौरक है, ये दूसरी बार आया है ये सेकंड ओवरटोन सेकंड अधिसौरक है, ये थर्ड बार आया है ये थर्ड अधिसौरक है थर्ड ओवरटोन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है डियर, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप फर्स्ट हार्मोनी कह सकते हैं, ध्यान सुनना चीज का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब फर्स्ट हार्मोनी है। मैं कहता हूं किसी चीज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो उसका नाइन्थ हार्मोनी क्या होगा, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 पंजो 45, 450 फ्रीक्वेंसी, 450 जो फ्रीक्वेंसी है वो इसका नाइन्थ हार्मोनिक है। मैं रोकता हूं मेरी बात को, मैं ओपन पाइप की बात कर रहा हूं, पूरी बात समझा दी, V by 2L, 2V by 2L, 3V by 2L, 4V by 2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ये फर्स्ट ओवरटोन, क्यों पहली बार आया, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन,
ये किसके लिए हो गया? ओपन पाइप के लिए। अब क्लोज पाइप के लिए आ जा। क्लोज पाइप में देख पुत्र, तो इससे छोटी वेव डेवलप नहीं कर सकता। ये तेरी क्या है? लेमडा बाई फोर। तो एल इक्वल टू लेमडा बाई फोर, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? फोर एल, वही कहानी। v इक्वल टू एन लेमडा, तो n इक्वल टू v बाई लेमडा, तो n इक्वल टू क्या? ओ क्या बना? v बाई फोर एल। ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बस। अब इसमें वही बात है दोस्तों, मैं वही डायग्राम बनाऊ फिर आपके लिए। एक डमरू, एक नो डमरू, सॉरी एक डमरू ने एक ब्लॉक पूरा आ जा। ये बढ़ा दिया, ये कम से कम बढ़ाना ही पड़ता है इसमें, इससे कम नहीं बढ़ा सकता अपना। और ये बढ़ा दिया, तो तेरे सामने क्या है? ये लेमडा बाई फोर, ये लेमडा बाई टू, तो ये क्या बन गया तेरा? थ्री लेमडा बाई फोर। ये तेरा क्या है? लेमडा, वो लेमडा बाई फोर। ये क्या बन गया? फोर लेमडा बाई फोर। इनको दोस्तों मैं सोल्व करूंगा ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर चेंज कर ले थोड़ा सा आपके, ले लो वी इक्वल टू फोर एल, थ्री वी इक्वल टू फोर एल, फाइव वी इक्वल टू फोर एल, सेवन वी इक्वल टू फोर एल, ऐसे आएंगे। ये कौन है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बताइए क्या है? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड सनादी, फिफ्थ सनादी। और इसका नाम क्या है? हेलो लड़के, इसका नाम क्या है? ये पहली बार आया है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सुन ले रहे? ये थर्ड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है। ओके, अब मैं इन दोनों को एक साथ कर दूं कि दोस्तों ओपन पाइप जब होगा तो फॉर्मूला होगा वी बाई टू एल, टू वी बाई टू एल, थ्री वी बाई टू एल, फोर वी बाई टू एल। और दोस्तों क्लोज पाइप हो तो वी बाई फोर एल, थ्री वी बाई फोर एल, फाइव वी बाई फोर एल। अब मेरा जवाब दे, ओपन पाइप में दो तीन चार सारी हार्मोनिक्स हैं, यानी ओपन पाइप में इवन ओड सम विषम सभी हार्मोनिक सनादियां आएंगी, क्लोज पाइप में केवल ओड एक तीन पांच आएंगी। मैं इसको पूछ लूं ये क्या है, तो एक साथ बोलिए क्या है? थर्ड सनादी, थर्ड हार्मोनिक, और दोस्तों सेकंड टाइम आया, फर्स्ट टाइम ये आया, सेकंड ओवरटोन। यहां मैं यदि इससे इस पे जाऊं, मैं इसकी बात करूं, तो फिफ्थ हार्मोनिक है, पांचवी सनादी है और सेकंड ओवरटोन है। क्लियर? बस इतना ही खेल है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ओके डियर, अब आप क्वेश्चन निकाले, थोड़ा आपका टाइम तो लगा, अब आगे सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्या कहता है? दोनों सिरों पे खुले पाइप के कंपन के लिए कौन सा कथन सही है? ओपन पाइप है ना। अगला कहता है मूल आवर्ती के सभी सनादि उत्पन्न होंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑल हार्मोनिक हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल के मतलब इवन और ओड सभी हार्मोनिक्स आएंगी, ये बात तो सही है। पर इसका पूछा कथन सही नहीं, वो निकालना है। अगला कहता है प्रेशर चेंज्ड विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, दोनों सिरों पे दाब परिवर्तन अधिकतम होगा। अगला है खुले सिरों पर विस्थापन के प्रतिबंद होंगे, ये बात भी सही है। थर्ड है मूल आवृत्ति के विषम सनादि, दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो कहता प्रेशर चेंज्ड विल बी मैक्सिमम एट द बोथ एंड्स, वो कहता दोनों सिरों पे दाब परिवर्तन क्या मैक्सिमम होगा? ना दोस्तों, मिनिमम होगा। तो सुन लो इसका भी एक लॉजिक है, आ जाओ इधर देखो प्लीज। ये कंप्लीट वेव है, इसको दोस्तों आप ए कहते हो, इसको एन कहते हो, इसको ए कहते हो, और इसको सॉरी इसको एन कहते हो और इसको एन कहते हो। आपने खुद क्या कहा कि ओपन पाइप के सिरे पे क्या, मुंह पे क्या बनता है? आ जा, ओपन पाइप के मुंह पे क्या बनता है? ए बनता है। और ए तो ये है, याद है क्या? यहां तो प्रेशर का चेंज मिनिमम होता है और यहां प्रेशर का चेंज मैक्सिमम है। अगला क्या कह रहा है? दोनों सिरों पे दाब परिवर्तन अधिकतम होगा, तो ना क्या बन रहा सिरे पे? ए। तो ए पे तो चेंज इन प्रेशर क्या है? मिनिमम है, इसलिए बात आपकी गलत हो गई। आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकंड। ओके थैंक यू। हां दोस्तों क्वेश्चन 166 है, नीट 13 में आया है। अगला कहता है एक वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इन 1 मीटर, वेवलेंथ 2πm, तेरा लेमडा जो है वो 2πm है और ये y डायरेक्शन में 1 मीटर है, इसका मतलब 1 हो गया रे। एक्स एक्स पे मूव कर रही है तो किस पे आएगा एम्पलीट्यूड? y पे तो आएगा ना, वो 1 मीटर है। और ये तेरी फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी, f की वैल्यू तेरे सामने 1/π हर्ट्स है, बस तेरे को इसकी वेव निकालनी है, ठीक है? तो देखो एक बात सुन लो, खाली करना पेज। एक सिंपल फॉर्मूला जो है, मास्टर फॉर्मूला, वो होता है y इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, ये दोस्तों एक्चुअल में एक इस वेव का इक्वेशन है। अब ध्यान देना, यदि वेव जा रही है दोस्तों प्लस एक्स एक्स पे, इधर जा रही है तो साइन आएगा माइनस का, और ये जाती है माइनस एक्स पे तो साइन आएगा प्लस का। ये इतना सब आपको याद है। ओमेगा आप जानते हो, ए आप जानते हो, के आप जानते हो, फाई आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा यहां एक मॉडिफाई कर दूं, ओमेगा इक्वल टू दोस्तों होता है 2π/T, के इक्वल टू होता है 2π/λ। यहां तो काम नहीं आ रहा है, मैं जो लिख कर रहा हूं, पर आगे कहीं काम आ सकता है, इस साल काम आ सकता है। अब आप एक काम करें, आप पूरी क्लास जानती है v इक्वल टू क्या होता है, n λ। ओके डियर, तो v इक्वल टू क्या होता है, λ/T। ओके, जहां लेमडा लिखा हुआ वहां क्या आएगा, 2π/k। ध्यान दे क्लास, 2π/k। जहां टी लिखा वहां क्या आएगा, टी लिखा वहां क्या आएगा, 2π ओमेगा। इसको दोस्तों कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके सामने सामने क्या आ गया, v इक्वल टू, तो दोस्तों k का एक नया फॉर्मूला भी है, ओमेगा/v। इधर ना क्लास, ओमेगा इक्वल टू 2π/T, k इक्वल टू 2π/λ, v इक्वल टू n λ, तो v इक्वल टू λ/T। लेमडा क्या है, लेमडा क्या होता है, 2π/k। टी कौन है, 2π/ω। ओके डियर, ये कैंसिल आउट, ओमेगा/k, तो तेरे सामने आ गया k इक्वल टू ओमेगा/v। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ओमेगा और v दिए हुए हो तो दोस्तों सीधा k भी निकाला जा सकता है, मैंने कोई नई बात नहीं की इसमें, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं, तो ये इसकी दोस्तों एक मास्टर इक्वेशन है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। अब आपका जो प्रश्न है वो क्या कहता है, मूव कहां हो रहा है, एक्स एक्स पे, और वाइब्रेशन कहां हो रहा है भाई, आप ब्लाउड डायग्राम कहां हो रहा है वाइब्रेशन, वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे है, तो ये क्या हो गया, ए मैक्सिमली हो गई। बस अब मैं इसको आपके लिए कर देता हूं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके डियर, चलो आगे, तो वाई इक्वल टू 1, ये लो जी, वाई इक्वल टू 1 साइन ओमेगा बोले तो 2π/T माइनस के बोले तो 2π λ/x। कर दूं 2π/T, ठीक है, वैल्यू पुट कर, तो y इक्वल टू साइन 2π/f, f क्या है, देख रहे हैं, f हो रहा 1/π, f क्या है 1/π, किससे मल्टीप्लाई कर, t से माइनस 2π λ, लेमडा क्या आ रहा है 2π, है ना, लेमडा को तो m तो मीटर है, अरे तो मात्रक है 2π। ओके, मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्तों, अक्ष, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दे तो क्या हुआ, साइन 2t माइनस अक्ष, y इक्वल टू साइन 2t माइनस अक्ष। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों साइन x माइनस 2t बोल दो चाहे साइन 2t माइनस x बोल दो, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे वेव की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो 166 का दोस्तों आंसर क्या हो गया हमारा, 3। ओके, थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों ये बीट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, बीट्स की सहायता से, विस्पंद की सहायता से किसी अनोन ट्यूनिंग फोर्क की अज्ञात सर्वत्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है। मुझे नहीं पता इसको लोग किस तरह सोल्व करते, मेरे पास बाबा के आशीर्वाद से एक तरीका हाथ लगा हुआ, एक जो ट्रिक बोलता हूं मैं, तो आप मेरे साथ बोले भाई। देखो डियर, प्रश्न पढ़े आप अपने लिए, वो कहता है सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 bps व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 250 Hz। इतना याद रखो, वो कहता है डियर आप तो एक ही बात याद रखो कि 250 हर्ट्स के साथ, जिसको मैं ए कह दूं, यदि मैं किसी अननोन को बजाऊं तो 4 bps आती हैं, तो उसको बी कह दो सपोज करो, तो दोस्तों बी या तो दोस्तों 250 4 को मिलेगा आपको, या तो 4 ज्यादा मिलेंगी आप जानते हो, या दोस्तों 4 कम मिलेंगी, या 246, इतनी बात हो ना, या तो वो 254 पे जाएगा या 246 पे आएगा। अब ये कहता था सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 bps व्हेन साउंड विथ ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 Hz द अननोन फ्रीक्वेंसी इज। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत, उसकी आवृत्ति कितनी है भाई, 250 है, अन्य स्रोत के साथ बजाते हैं तो 4 bps आते हैं, तो 4 का मतलब या तो 254 पे है या 246 पे। अब वो कहता अज्ञात आवृत्ति का दूसरा सनादि, ध्यान देना किसका है, अज्ञात आवृत्ति का दूसरा सनादि काम आ गया, सेकंड हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल। थोड़ा सा अपने पास सुविधा है तो अपने कलर चेंज कर लेते हैं, तो माना
दोस्तों ये ऑब्जेक्ट मेरा सही होता तो इसको डबल करो, तो इसको आप डबल करोगे तो आपके 6 × 2 = 12 हाथ की एक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 13 × 9 और 492 पे आएगा। और ये सही होता इसको डबल करेंगे तो ये 13 × 8 = 10 और ये 508 तो यहां आएगा। तो या तो बी ये है या बी ये है, क्लियर। और अब वो कहता है कि अज्ञात आवृत्ति का दूसरा हार्मोनिक जो है वो 513 आवृत्ति के साथ बजाऊं तो 5 विस्पन देता है। अब 513 पुत्र मैं यहां कलर चेंज कर दूं, 513 तो यहां पुट कर दे, 513 को यहां पुट कर दे, इसके साथ तेरे 5 विस्पंद आ गए, 508 है, 508 का मतलब 254, तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई 254, 167 का आंसर है दोस्तों 254, इट्स ए बेस्ट क्वेश्चन, ओके थैंक यू। देखो डियर ये एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है जो मूल रूप से क्वेश्चन सोनोमीटर का। एक तो आप ये जानते हो कि सोनोमीटर में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो एन इक्वल टू आप लेते हो 1/12 रूट टी अपॉन एम, एम यूनिट मास, टी टेंशन, एल लेंथ, एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जानते हो एक प्रैक्टिकल में आप टी और एम तो चेंज करने से रहे तो आपके सामने सामने एन एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, वैसे ही है रे स्प्रिंग का क्या था ना थोड़ी पहले अपने स्प्रिंग में एन के मल्टीप्लाई एल कॉन्स्टेंट है, अब तेरे सामने है यार ये आ गया तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया पुत्र एल, तो बस अभी तेरे को इनको एड करना है तो मैं यहां सिंपल कर सकता हूं फिर दोस्तों 1/n इक्वल टू एन वन एन टू प्लस 1/n3, तो ये आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया क्योंकि एन एल के इनवर्स है तो एन वन प्लस एन टू एल थ्री, इससे आपका एक रेशियो आ जाएगा, ओके डियर। तो ये आपका इसका 168 का फर्स्ट आंसर हो गया, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 169 AIPMT 2014 में है, ये कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑक्सीलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड पे क्लोज है, लेंथ 85 सेंटीमीटर है, हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो 1250 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है। देखो ध्यान से पढ़ो, ये कहता है वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, 1250 से कम आवृत्ति, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी पैदा करें तो 85 सेंटीमीटर के एक बंद नलिका में आप कितने ऑक्सीलेशन यानी कितने हार्मोनिक कह सकते हो, कितने रेजोनेंस कह सकते हो, कितनी बार अनुवाद आएगा, कहने का मतलब इसका ये है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऐसा करो, क्लोज पाइप है ना तो क्लोज पाइप का एन इक्वल टू होता 4/L, तो इसको सोल्ड करो, वी की वैल्यू क्या है 340 और एल की वैल्यू क्या है देख डियर 85, गौर करना। देखे मैंने हमेशा कहता हूं एग्जाम कभी गुणा भाग नहीं करती है, 520 हाथ की 2 बट ये तेरे सामने एन का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया, ये 85 जो है डियर ये सेंटीमीटर में है तो ये तेरे सामने सेंटीमीटर में है तो ये आपका 100 आ गया, सॉरी क्योंकि 85 सेंटीमीटर में है ना तो मीटर में क्या हो गया 100, तो बस एन का मान 100 हो गया। 1250 तक डेवलप कर सकता है, क्लोज पाइप है, ओड आएंगे बस 100 आएगी, 300 आएगी, 500 आएगी, 700 आएगी, 900 आएगी, 1100 आएगी, 1300 आएगी, बट डियर 1300 नहीं आ सकती क्योंकि 1250 क्रॉस कर गया तो तेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगला कहता है तो वायु स्तंभ में संभव प्राकृतिक संख्या कितनी होगी भाई 6, तो 169 का दोस्तों आंसर क्या हो गया 4, ओके थैंक यू। दोस्तों लो मैं डॉप्लर के टोपी का एक मेरे पास ब्रह्मास्त्र है वो देता हूं आपको, लो डॉप्लर के टोपी को, डॉप्लर 2 प्रकार से होता है लाइट में और साउंड, उनकी बात नहीं करूंगा यहां पर मैं, डॉप्लर साउंड की बात कर रहा हूं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। तो दोस्तों डॉप्लर में पहली कंडीशन है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सब बातें आप जानते हो, मैं तो इसकी 8 पॉसिबिलिटी है, लो ओ को रोक दूंगा, एस को मूव कराऊंगा, ओ को रोक दूंगा, एस को इसके पास लाऊंगा, एस को रोक दूंगा, ओ को इसे दूर ले जाऊंगा, एस को रोक दूंगा, ओ इसके पास आएगा, अगली बार क्या होगा एस और ओ ऐसे चल रहे हैं, एस और ओ ऐसे चल रहे हैं, ओ और एस ऐसे चल रहे हैं, ओ और एस ऐसे चल रहे हैं, लो जी ये 8 पॉसिबिलिटी है इसमें, क्लियर, ये डॉप्लर की पॉसिबिलिटीज हैं। मेरा दोस्तों मास्टर फॉर्मूला है एन डैश इक्वल टू एन वी वी ओ वी वी एस, ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके डियर। तो इस केस में आओ, ओ रुका हुआ है तो ओ रुका हुआ है तो दोस्तों वी ओ की वैल्यू क्या होगी 0
अपॉन वी वी एस साइन क्या आएगा, बुद्धि लगा एस दूर जा रहा है, दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, नीचे क्या साइन लगाऊं कि एंड एस बढ़े। कब घटेगी दोस्तों? जब आप इसमें बड़ी संख्या का भाग दोगे तो प्लस कर दो इसको। आप अगले पे आ जाओ, एंड एस इक्वल टू एन वी 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 एस, यहां तेरा एस पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। ये चीज कब बढ़ेगी? जब छोटी होगी तो माइनस कर दे। अब इधर आ जा, एंड एस एन वी वी ओ और वी वी एस ओ दूर जा रहा है तो माइनस कर दे, एंड एस एन वी वी ओ अपॉन वी, तेरा एस रुका हुआ पास आ रहा है तो प्लस कर दे। तो अब इसमें क्या हो रहा है? दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव कर रहे हैं तो बहुत, मेरे तो ये फुटबॉल मार लेते यार, ये वी वी एस दोनों मूव कर रहे हैं तो ना तो वी ओ जीरो होगा ना वी एस जीरो होगा। और एक लाइन सुन लो, इफ डायरेक्शन विल सेम साइन विल सेम एंड वाइस वर्सा, यानी एस और ओ यदि एक दिशा में मूव कर रहे हैं तो दोनों साइन ऊपर नीचे दोनों चिन्ह एक जैसे आएंगे, दिशा उल्टी है चिन्ह उल्टे आएंगे। आ जाओ जी, इसमें माना कि ओ एस रुका हुआ है, ध्यान दे क्लास, माना कि एस रुका हुआ तो ओ दूर जा रहा है, ओ दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, किससे? ओ से, तो क्या लगा दो? माइनस। तो यहां पर आप क्या आएगा? माइनस, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। एंड एस इक्वल टू एन वी वी ओ वी वी एस, एस रुका हुआ है ओ पास आ रहा है, ओ पास आ रहा है तो क्या आएगा? ओ से बढ़ी तो क्या आएगा? प्लस। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो क्या आ गया? माइनस। इसमें आ जा, एंड एस एन वी वी ओ वी वी एस, एस रुका हुआ, एस को रोक ले, माना एस रुका हुआ ओ पास आ रहा है, ओ पास आ रहा है तो क्या आएगा? प्लस। ये भी क्या आएगा? प्लस, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। एंड एस इक्वल टू एन वी वी ओ अपॉन वी वी एस, वो ये एस रुका हुआ है ओ दूर जा रहा है तो क्या आएगा? माइनस। डायरेक्ट अपोजिट है तो क्या आ गया? प्लस। ये ले जी, अपना चैलेंज है, इससे ज्यादा नो ही कोई पॉसिबिलिटी डॉप्लर में नहीं बन सकती। ये है मास्टर फंडा डॉप्लर का, ये फंडा होता है, ये यहां साइन नहीं है, यहां साइन नहीं है, डायरेक्शन विल सेम साइन विल सेम एंड वाइस वर्सा। और दोस्तों मास्टर अप्रोच लगा दो इसको, क्लियर? तो ये मैंने डॉप्लर के बारे में, ये है साउंड का डॉप्लर। ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 170 है, ये डॉप्लर पे है, तो मैंने अभी डॉप्लर के सारे फॉर्मूले आपको समझा दिए, अब उसको अप्लाई कर देता हूं। ये प्रश्न क्या लो, सुन लो एक मिनट, आप पढ़ लो, मैं रुक जाता हूं एक मिनट, आप पढ़ लो। पढ़ लिया, अब मैं बताऊं क्या है। एक बाइक का आदमी पीछे चल रहा है, एक आदमी आगे कार में चल रहा है, सड़क देख लो ना आप, सड़क पे एक आदमी आगे कार में जा रहा है, पीछे का आदमी बाइक पे आ रहा है, तो आप इसका डायग्राम ला लो, एक ये आदमी है, ये बाइक है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे दोस्तों एक कार जा रही है ऐसे मान लो, और कार हॉर्न बजा रही है, कितने का हॉर्न बजा रही है कार? 1392 हर्ट्ज का, और कार का वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, आगे ट्रैफिक जाम है मान लो कहीं, तो कार की स्पीड कम है, बाइक स्पीड ज्यादा है, कार जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, पीछे बाइक चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कार हॉर्न बजा रही है, तो ड्राइवर को, कौन से ड्राइवर को? बाइक वाले आदमी को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो दोस्तों कहने का मतलब है, ये तो आपका कलर चेंज कर ले लो, अपने पास सुविधा है तो कलर चेंज करें। दोस्तों ये आपका ओ है और ये आपका एस है, बस। अब आप देखो, इसको मैं ऐसे ओ कहता हूं, इसको मैं एस कहता हूं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ओ लड़के जब दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो दोनों साइन क्या आएंगे? अरे प्लस के। हेलो हेलो हेलो, बोल बोल, दिशा समान, चिन्ह समान, बस। इनकी दोस्तों मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं तो एग्जैक्टली आंसर आ रहा मेरा, एन इक्वल टू है 392, वी कितना है रे 343, वी ओ 10 जोड़ दो तो ये तेरा कितना आ गया 353 अपॉन, ये V कितना है 343, इसमें क्या जोड़ना अपने को 5, तो ये तेरा क्या आएगा 348। देख इसको एग्जैक्टली काट, ये 4 हो गया, ये 4 3 12, हाथ की 1 2 12 14, दोस्तों आंसर आ गया 1412 हर्ट्ज। ओके, थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 171, ठीक है भाई, देखो डियर, बॉस आप पढ़ लो इसको, पढ़ लो एक बार, मैं एक मिनट समझ देता हूं आपको। ये भाई साहब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ए वी अपॉन 4L क्या होता है? क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो ओपन पाइप की सेकंड ओवरटोन के बराबर है, और ओपन पाइप की सेकंड ओवरटोन क्या होती है बता दूं? V बाई 2L
2V/12 और 3V/12 पढ़ा चुका अभी आपको मैं दोस्तों। ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये इसके इक्वल, इसको एल डैश करना पड़ेगा, लंबाई अलग होगी। तो दोस्तों V इक्वल टू 3V/2L, V से V कैंसिल आउट कर दे, L की वैल्यू अगला साफ देता है कितना है 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/2L। देख डियर ये उधर ले जा, ये इसको आप ये लो, ये 80 है, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो 240, 2 से डिवाइड करो 120, तो आंसर क्या आ गया अपना 120। रोल किसका है लेकिन आपको हार्मोनिक का और टोन पता होना चाहिए जो इसी क्लास में पहले पढ़ा चुका हूं आपको मैं। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172, ये डॉपलर का एक नया पैटर्न क्वेश्चन है। ये कार पहाड़ की ओर जाती है, गाड़ी पहाड़ की ओर जाती है ना, आप इसमें एक बात ध्यान सुन लो कि कार पहाड़ की ओर जा रही है, गाड़ी पहाड़ की ओर जा रही है। इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं एक बार, मैं एक सिंपल पेज खाली करना, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा हूं पहले। दोस्तों माना कि ये कोई पहाड़ टाइप चीज है और ये कोई कार है जो इधर जा रही है, इसमें एक बंदा बैठा है और साइरन बजा रहा है। मैं क्वेश्चन से बाहर आ गया हूं। एक कार है, मैं ड्राइवर, ये मेरे पास कोई सोर्स ट्यूनिंग फोक है, मैं इसको बजाता हुआ जा रहा हूं पहाड़ की ओर। तो मेरी स्पीड मान लो 5 या 10 है, तो मैं तो पहाड़ की ओर जा रहा हूं 5 मीटर या 10 मीटर/सेकंड से, बट साउंड किस चली गई 330 से और वापस मेरे पास आ जाएगी। तो कहता मेरे को क्या सुनाई देगी, तो मेरे पास दो आवाज आ गई, एक तो सीधी आ गई, एक पहाड़ से आ गई। ये तो सीधी कहलाती है, वो इको कहलाती है। तो एक्चुअल में मेरे कान के पास दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो सीधी वाली, एक दूसरी वाली। तो मुझे प्रतिध्वनि कितनी सुनाई देगी, मुझे इको कितना सुनाई देगा, ये प्रश्न है। तो इसका ध्यान साऊं, इसका तरीका क्या है कि जिस स्पीड से कार पहाड़ की ओर जाती है और मुझे कितनी सुनाई देगी, तो मैं क्या हो गया सोर्स, तो स्रोत कौन हो गया पहाड़। दोस्तों पहाड़ उसी स्पीड से मेरी ओर आएगा। ऐसे प्रश्नों में मैं तो बन जाता हूं ऑब्जर्वर और पहाड़ बढ़ जाता दोस्तों सोर्स, और ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे मूव करना शुरू करते ही आप जानते हो अपना मास्टर फॉर्मूला वी वी ओ एस, एस पास आ रहा है, वी पास, ये तो बन गया फॉर्मूला। फिर सुन लो, कार पहाड़ की ओर जाती है, पहाड़ कार की ओर आता है उसी स्पीड से, बिल्कुल झूठ है ये, वैसा ही झूठ है जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, आप मिरर की ओर जाओ तो उसी स्पीड से एक इमेज आपकी ओर आ रही है। जैसे मिरर की इमेज हमारी ओर आती है वो झूठ है, वैसे पहाड़ हमारी ओर आता है झूठ है। भाई जी हमारा एग्जाम काम हो जाता है इसे। तो जिस स्पीड से कार पहाड़ की ओर जा रही है, पहाड़ कार की ओर आता है, ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ओके अब मैं दोस्तों क्वेश्चन पे आता हूं। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, ये पहाड़ है और एक कोई सोर्स पहाड़ की ओर जा रहा है और एक बंदा यहां खड़ा है। चेंज भाषा, सोर्स पहाड़ की ओर जा रहा है, पहाड़ से इको होगा, इको होके इस बंदे के पास आएगा। तो दोस्तों इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये इसकी ओर आ रहा है बट ये क्या है स्टेशनरी है। तो एन डैश इक्वल टू एन वी वी माइनस वी एस, ये बन जाता है। ये सोर्स है पहाड़ की ओर जा रहा है, इस बंदे को क्या सुनाई देगा, ये खड़ा जो साहब कहता है, ये रहा देखो बहुत बहुत प्यार से कह रहा है, ए साइरन इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, ये रहा एक ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर खड़ा, साहब कहता है हिंदी पढ़ लो तो साहब कहता है किसी प्रेक्षक से, तो ये खड़ा है ये जा रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं, सोर्स ये है कि यहां साउंड वहां गया और अगला साहब कहता है इको साउंड तो वहां से आई दोस्तों। तो तेरे एन डैश इक्वल टू एन कलर चेंज कर लेते हैं तेरे लिए, तो दोस्तों एन डैश इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 800, वी की वैल्यू क्या है 330, नीचे क्या 330 माइनस रस्टी वो रहेगी रहे कितनी 15, तो ये 315 एग्जैक्टली गुणा कर ले भैया, चाहिए एग्जैक्टली आंसर तेरा 838 आता है, करके देख ले भाई। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 173 पढ़ ले भैया। पढ़ लिया, कुछ नहीं करना। अगला कहता है एक सिरे पर बंद एक क्लोज पाइप है जो किसी ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस करता है, तो दोस्तों कम से कम लेंथ 50 है, तो बताओ इसके बाद अगली लेंथ क्या आएगी। अरे भूल गया क्या, ये क्लोज पाइप है ना, तो कम से कम तो ये होता है और इसके बाद ये लड़के, तो याद कर 1:3 नहीं क्या, पहले फर्स्ट आएगी थर्ड आएगी और थर्ड में लेंथ 3 गुना कर दे, 50 की 3 टाइम कर दे भाई,
150 मीटर पे आ जाएगा, अगली लेंथ क्या होगी 150 मीटर, दोस्त आंसर आ गया भैया। फिर सुन ले, क्लोज पाइप में 1:3:5 आता है, 50 155 ऐसे आएगा, ये ओपन होता तो 50 के बाद क्या आता 100 आता। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174, चलो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। अरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो पॉज कर लो यार, रोक लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, कल बच्चे कह रहे बोस पढ़ने को टाइम नहीं मिलता। अरे भैया बोले आदमी क्लास थोड़ी है, वीडियो रोक ले, रोक लिया पढ़ ले, पढ़ लिया आजा भाई, तू पढ़ने के बाद आगे चलना। देखो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया ना तो मेरे को खाली जगह चाहिए, इसलिए मैं अगले इस अगले पेज पे आता हूं, उसमें पेज खोले भाई। देखो डियर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये कोई एक वायर है ठीक है डियर, जिसकी लेंथ है एल, जिसका मास है M1, और इसके नीचे आपने कोई एक M2 मास लटका दिया डियर। इस पॉइंट को मैं कहूंगा, और यहां लेमडा है L1, और यहां इस पे लेमडा होगी L2। इस पॉइंट को दोस्तों मैं कहूंगा 1 नंबर पॉइंट, इसको कहूंगा मैं 2 नंबर पॉइंट। आप ध्यान दे क्लास, ये कोई एक रस्सी मान लो, इसका मास M1 है, लेंथ L1 है, यहां इसके मास लटकाया, मास लटकाया तो टेंशन होगी ना, और टेंशन से आप जानते हो वेव्स पैदा होती है, हमारा गिटार सोनोमीटर बजते कैसे, टाइट करो म्यूजिक निकलता है ना, बस अब आप शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों यहां V इक्वल टू होता है √T/M, ये सुन लो रे, ये ट्रांसवर्स वेव का किसी वायर में स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन एनी वायर। अब तू जानता है एक न्यूमेरिकल में कैपिटल M तो चेंज होने से रहा, तो V1/V2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, T1/T2, टी तू जानता क्या होता है, एम मल्टीप्लाई जी। तो मैं वन की बात करूं तो देख वन पे तो नीचे कौन लटका हुआ, एम टू जी लटका हुआ है, तो टी वन तो क्या है M2G, और यहां T2 की बात करूं तो भैया इस पॉइंट पे देखे नीचे वायर लटक रहा है, दोनों लटक रहे हैं ना, तो T2 क्या हो गया M1+M2/G। ओके डियर, बस अब अपन चाहते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है एन लेमडा, एन कभी एक क्वेश्चन दो हो ही नहीं सकते, तो V1/V2 इक्वल टू λ/λ2 ठीक है डियर। अब V नहीं है तो कोई बात नहीं, V वो रहा √T/M, तो आपका M तो कांस्टेंट है, तो दोस्तों फॉर्मूला बन गया λ1/λ2 इक्वल टू T1/T2 ठीक है डियर। आगे चल, अगला λ2/λ1 पूछ रहा है तो T2/T1 आएगा, T2 क्या है M1+M2G, तो कट जाएगा ना, वो M1+M2 हो गया, नीचे क्या आ गया तेरा T1/M2 आ गया, तो देख M1+M2/M2 का रूट, जरा क्वेश्चन आ जाए भैया, तो ये दोस्तों ये लो आपके सामने M1+M2/√M2, इसका आंसर हो गया 174 का दोस्तों, फर्स्ट 174 का फर्स्ट मिटा दिया, और ये अब इसको मैं डिलीट मार देता हूं, ये तेरे सामने आंसर आ गया। ओके थैंक यू। हाँ डियर 175 पढ़े, वही बात है, पढ़ने का बोलने का मतलब अपने वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, स्टैंड बाय कर लो, और जब तक स्टैंड बाय रखो ना जब तक पढ़ नहीं पाते हो पूरा, ठीक है डियर आ जाओ। किसी खुले आर्गन पाइप के द्वितीयक अधिसंवरक, देख डियर ओपन पाइप का सेकेंड, ओपन पाइप ओ लड़के ओपन पाइप V/2L, 2V/2L, 3V/2L, भैया साथ हो जाए मेरे, ये कौन है फर्स्ट ओवरटोन, ये कौन है सेकंड ओवरटोन, ठीक है। अगला साफ कहता खुले पाइप का सेकंड ओवरटोन की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अर्धसंवरक की आवृत्ति के बराबर है, दोस्तों इसको आप L कह दिया ठीक है। अब इधर आओ, L लंबाई के क्लोज पाइप, क्लोज का क्या होता है V/4L, इसको आप ऐसा करो इसको डैश कह दो यार, इन सबको डैश डैश कह दो, इसको L कहेंगे तो ये तेरा क्या आएगा 3V/4L, 5V/4L। अगला स्पष्ट कहता है कि बंद पाइप का कौन है फर्स्ट ओवरटोन, ये भाई तेरा फर्स्ट ओवरटोन है, और इसका कौन है सेकंड ओवरटोन है, भाई बराबर कर दे, कलर चेंज कर लेते हैं तेरे लिए, मजा आया क्लास का, 2L'=3V/4L, देख 3V 3V से कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने सामने L डैश क्या आ गया रे, L डैश आ गया 4L/2, ये ले दोस्त L डैश की वैल्यू क्या आ गई भैया, L डैश की वैल्यू आ गई 2L, L डैश की वैल्यू क्या आ गई 2L, 175 में दोस्तों आंसर क्या हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रोल किसका है ओवरटोन का, जो तेरे को मैं पहले बता चुका हूं, अब सुन, जिसको ओवरटोन का पता है ना वो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन नीट के आराम से कर पा रहे हैं, अब आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, 13 से 19 तक जो क्वेश्चन आए हैं ना वो 20 में आने वाले हैं,
और तेरे सामने पड़े क्वेश्चन, ध्यान दो। सॉल्यूशन ईयर वाइज भी करा सकता था, 13 का पहले, फिर 14 का, फिर 15 का, 16 का, उससे पता नहीं चलता टॉपिक क्या है। हमने दोस्तों होमवर्क किया है सीएलसी बाकायदा जीती बच्चे के लिए भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट किए और उसके बाद कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि एक टॉपिक से क्वेश्चन कितने अच्छे बन सकते हैं। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 176 पढ़ लिया। ओके दोस्तों, इस प्रश्न को लेके भैया आज भी लोग कंफ्यूजन है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी एन माइनस वन है, एक एन है, एक एन प्लस वन है। मेडिकल की बहुत सी बुक इसमें एक बिट्स देती हैं, आईटी की बिट्स बुक्स इसमें दो बिट्स देती हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती हैं, माना कि दोस्तों 99 है, ये 100 है, ये 101 है, तो इनका डिफरेंस करके दो बिट्स देता है। लेकिन फिर सुनना, मेडिकल की बहुत सी गाइड इसका आंसर एक बिट्स भी देती हैं, लेकिन वो अब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 16 में नीट ने इसका आंसर दोस्तों दो दिया था, इसलिए आपको दो ही मानना होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों दो, दो का मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट, 176 का दोस्तों थर्ड ऑब्जेक्ट। फिर से कहता हूं, मेडिकल की बहुत सी बुक्स में इसका आंसर मतलब संख्या एक देता है, बट ये एक्चुअल में वो कुछ वेव्स बन जाती हैं, तो आईटी का सॉल्यूशन की बुक्स में देखो दो ही आंसर है। और आज भी आदत, जब नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, तो हमें वेट था इसका, किसका आंसर देते क्या है, जब दो दिया तो हमें उन्हीं के आंसर को मानना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी देती आंसर वही मानना पड़ेगा। इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता और ना आप कंफ्यूज हो, बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस बात पर ट्रस्ट करना। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 177 2017, ये दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिया। ओके ये टोटली ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग मत लगाओ। अगला कहता है एक सिरा बंद क्लोज पाइप, अच्छा क्लोज पाइप है, उसमें दो निकटतम हार्मोनिक जो है ना क्लोजेस्ट, यानी पहली कौन है V/4L, फिर कौन है 3V/4L, फिर कौन है 5V/4L, तो दो जो क्लोजेस्ट है उनकी रेशियो है 220 और 260। दोस्तों इसको आप डिवाइड करोगे तो 11/13 आएगा। 11/13 का सीधा मतलब है कि इनका रेशियो 11 और 13 का रेशियो है। अब वो कहता है कि इसकी बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैं माना कि 220 सपोज कर लो पहली लेंथ है, तो 220 में 11 से भाग दे दो, कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 हर्ट्ज से लो। अब आ जा 20, अब तू 20 के बाद देख खुद सोच तू, ये बिल्कुल सही है, पहला 20 आएगा, फिर 3 से गुणा कर, ठीक है डियर, फिर इसको 5 से गुणा कर, फिर इसको 7 से गुणा कर, फिर इसको 9 से गुणा कर, फिर इसको 11 से गुणा कर, फिर इसको 12 से गुणा कर, फिर इसको 13 से गुणा कर, आ गया ना देख। अब तू कहेगा साहब इसमें 10 हर्ट्ज क्यों नहीं आ सकता, 10 के बाद तो तू देख 10 के बाद 30 50 आता है, ये कहीं रेंज तेरी आएगी नहीं, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन टोटली। फिर से मैं कहता हूं ये क्वेश्चन 100% ट्रिकी है भाई। अगला साहब कहता है 220 और 260, इसकी गुणा भाग नहीं होती है, वो एग्जाम में नहीं होती है यार, कॉपी में टीचर कराता अलग होता है, 220 260 है, ये दोनों कंटिन्यू है, ठीक है डियर। अब 220 को तू मान ले कि फंडामेंटल मान ले, ये मान ले पहले यही है, स्टार्ट यहां से करें, तो 20 से इसको डिवाइड कर ले, आप ऑब्जेक्ट देख करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड कर, ठीक है, या आप ऐसा करो 220 और 260 को आप देखते हैं तो 11/13 है। अब 11/13 को अब आप देखो, 11 को आप 30 से गुणा करो तो 330 आ रहा है, 11 को आप 10 से गुणा करो तो 110 आता है, 200, 11 को दोस्तों आप 20 से गुणा करो तो 11 को गुणा करो 20 से तो 220 आ गया, और 30 को 20 से गुणा करो तो 260 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद तेरी संख्या 220 और 260 बता था वही आंसर होता है इसमें, इसलिए अपने आप आंसर क्या आ गया इसका 28। फिर कह रहा हूं कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी, केवल एक परजेंस ऑफ माइंड है। थैंक यू। क्वेश्चन 178 फिर डॉपलर पढ़ लियो। ओके पढ़ लिया, मैंने कहा ना मोबाइल को अपने कंप्यूटर को पोज करके पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। आ जा कि दो कार हैं जिसकी चाल 20 और 16.5 मीटर पर सेकंड है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है, लो जी एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, पहली कार इसको फर्स्ट कार कह दे, इसको सेकंड कार कह दे, फर्स्ट कार हॉर्न बजाता है सोर्स कह दे, जिसकी आवृत्ति कितनी है 400 हर्ट्ज। एक बात कहता हूं भाई, जैसे जैसे कहता है वैसे करता जा, दो कार बना दी, फर्स्ट हॉर्न बजा रही है सोर्स हो गया, साउंड वेलोसिटी 340 है, तो दूसरी कार के चालक को इसकी सुनाई क्या देगी ध्वनि, तो ये कौन हो गया तेरे सामने ऑब्जर्वर, बस अपना फंडा याद कर, एस ओ ऐसे मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव करते हैं तो
मैंने जो तरीका बताया, आजा। पहली बात तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, साइन अपोजिट आएंगे। मान ले कि एस रुका हुआ है, ओ पास आ रहा है, तो ये तेरा प्लस, ये तेरा माइनस, सिंपल क्वेश्चन हो गया भैया। एंड एस इक्वल टू एन वी प्लस वी ओ अपॉन वी। तो साफ कहता है पहली कार क्या है, सोर्स, वो क्या है, ऑब्जर्वर, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। साइन क्या आएगा, अपोजिट। अब मैं तेरे लिए इसको गुणा भाग कर दूं, तो दोस्तों एन डैश इक्वल टू एन बोले तो, एन बोले तो, एन बोले तो 400, ये रहा, एन बोले तो 400, वी बोले तो 340। आ जा भैया, 340 प्लस वी ओ, वी ओ क्या है, फर्स्ट कार 22, ओके डियर। और ये तेरा 340 माइनस वी एस, ये तेरा क्या है, 16.5 है दोस्तों, 16.5 है। इन दोनों को भैया कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल स्पष्ट है, आप करके देख लो। जैसे आप दोस्तों इनको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर है 448, थर्ड आंसर है। ओके थैंक यू, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ा फटाफट, मारो देता हूं लो। ओके पढ़ लिया, आ जाओ। क्या कहता है, किसी सवृत्र द्विभुज ट्यूनिंग फोक, किसी ऐसी कांच की अनुनाद नलिका, अनुनाद का मतलब बंद, एक सिरे से फिक्स होता रहे, कहने जरूरत नहीं, रेजोनेंस ट्यूब का मतलब बंद होता है। एक ट्यूनिंग फोक है, एक रेजोनेंस ट्यूब है, जिसमें वायुस्तंभ की लंबाई को परिवर्तित, आप जानते हो रेजोनेंस प्रैक्टिकल में लंबाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है, पहले 20 सेंटीमीटर पे रेजोनेंस होता है, फिर 73 पे होता है। दोस्तों ये आप अच्छी तरह देख लो कि फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में मैं पढ़ा चुका आपको दोस्तों, एक डमरू इसमें बढ़ाना होगा, ऐसे बढ़ा दिया। ये डिस्टेंस क्या है आप जानते हो, लेमडा बाई फोर, ये डिस्टेंस क्या है, 3λ/4, क्लियर हो गया। अब आप इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, L1, इसको क्या कह सकते हैं, L2, लो माइनस करो, L2 माइनस L1 क्या आ रहा है, λ/4 में 3λ/4 निकालो तो λ/2 बन जाता है। दोस्तों इस न्यूमेरिकल में फिक्स है, लेमडा रिप्लेस टू, फिक्स है, दिमाग मत लगाओ इसमें। रेजोनेंस ट्यूब के प्रैक्टिकल में लेमडा इक्वल टू 2L2 - L1 होता है, बस। अब तेरे सामने सामने है तो लेमडा का मान क्या हो गया, 2L2 बोले तो 73, L1 बोले तो 20। तो दोस्तों लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 53, ये तेरा क्या आ गया, 106 लेमडा आ गया। अगला मुझसे क्या पूछता भैया, सवृत्र की आवृत्ति 320 है, धवनि का 27 डिग्री पे वेलोसिटी क्या होगी, लो यार कोण बना करता, v इक्वल टू एन लेमडा, एन बोले तो 320, लेमडा बोले तो 106, वो सेंटीमीटर में जाने से, लेकिन 106 किस में है, सेंटीमीटर में, तो 1.06, 106 सेंटीमीटर ना, वो तो 1.06, ठीक है डियर। तो 1.06 का मतलब 320 से कुछ ज्यादा आएगा, इसको हम करते हैं कैलकुलेट, तो एग्जैक्ट आंसर आता 339। मैं फिर से कहता हूं कि रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नलिका क्वेश्चन है, इसमें याद रखना होता है दोस्तों, लेमडा इक्वल टू है 2L2 - L1, इसमें यहां दिमाग मत लगाना, ये फिक्सर है, वी लेमडा इक्वल टू 2L1 - L1, वी इक्वल टू एन लेमडा, तो वी इक्वल टू 2N L2 - L1, और एग्जैक्टली गुणा भाग करते हैं, इसका आंसर 339 आता है दोस्तों। ओके थैंक यू। ओके डियर, ये क्वेश्चन नंबर 180, ये 11th के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। हाँ, सरफेस टेंशन के फ्लूड के 8 क्वेश्चन बीच में रुक गए थे, भूल गए थे उनको दोबारा करेंगे। तो एक तरह देखा जाए तो 1 से लेके 180 तक लोग पहुंच गए हैं दोस्तों, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उस एक बार एग्जाम दोबारा हुआ था, तो 8 पेपर मैं आपको सोल्ड करवा रहा हूं, 8 में 45 क्वेश्चन से, ये 360 क्वेश्चन होते हैं, एग्जैक्टली 180 क्वेश्चन 11th के सेक्शन से आए हुए हैं, 50% 11th आता है, ये 11th के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन आज, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी बात शुरू करते हैं, फिर हम लोग आज इस वीडियो को ये खत्म करेंगे। आज क्या कहता है, पढ़ ले, पढ़ लिया। कहता है किसी खुले आर्गन पाइप की मूलावृत्ति, आजा भैया खुला पाइप है, खुले आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बंद आर्गन पाइप के थर्ड सनादी, ओ भाई थर्ड हार्मोनिक, न कि थर्ड ओवरटोन, तो इस क्लोज पाइप की थर्ड हार्मोनिक क्या होगी, V/4L और 3V/4L, 3V/4L क्या रहे, फर्स्ट ओवरटोन है और थर्ड हार्मोनिक है, बस ये दोनों बराबर हैं। अगला कहता है
बंद पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, इसकी लंबाई को आप ऐसा एल ओ कह दो, इसकी लंबाई को आप एल सी कह दो। ये तरीका होता है सोल्ड कर, सी फॉर क्लोज ओ फॉर ओपन। तो अगला साफ कहता है खुले पाइप की मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति का मतलब वी बट्टे टू एल ओ इक्वल टू थ्री वी बट्टे 4LC, V से V कैंसिल आउट कर दे। तेरे निकालना क्या है, खुले पाइप की लंबाई निकालनी है तेरे को, LO निकालना है, तो LO को इधर ले जा, तो ये तेरा 4LC और ये 2 मल्टीप्लाई 3, तेरे लिए पूरा कर रहा हूं भाई मैं, LC बोले तो 20 और ये तेरा 2 मल्टीप्लाई 3, ये तेरा कितना हो गया 10, ये तेरा 40/3, 40/3 39, लंबाई आ गई 13.2 सेंटीमीटर दोस्तों, 13.2 सेंटीमीटर। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों, तो आज 12 अप्रैल 2020 को आज हमने आपको SHM और वेव के टॉपिक के क्वेश्चन दिए हैं, यानी आपको आइडिया हो गया SHM और वेव से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इन सबका वीडियो सॉल्यूशन हो गया। इसी के साथ 11th की फिजिक्स हमारी 7 लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों कल हम आगे चलेंगे इलेक्ट्रोस्टेट पे 12th के पार्ट पे। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पिछले जो 6 वीडियो थे उनमें कुछ वीडियो में कुछ लैंग्वेज की लिखने की आगे पीछे की हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पहली बार हमने इस तरह पैनल पे काम किया है, सामने कैमरा लगा हुआ है, बच्चे नहीं है, 2016 में पढ़ाना छोड़ दिया था, 4 साल के बाद बोर्ड पे आए हैं, तो हल्की फुल्की कुछ दिक्कत हो सकती है इसमें रही होंगी। ठीक है डियर, तो इस तरह की बात कोई हो तो आप मुझे मेरे बात कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें, उनको कुछ चीज़ों को आप इग्नोर भी कर दें। कई बार क्या है कि प्लस की जगह माइनस बोला जाता है, माइनस के प्लस बोला जाता है, आंसर फिर उसका सही निकल जाता है। ठीक है डियर, तो ये आपका 7वां लेक्चर आज है जो हमने आपका अपलोड किया है। ओके डियर, आप जानते हैं शाम को 6:30 डेली मैं एज ए मेंटर, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर लाइव आता हूं, वो मेरा लाइव वीडियो होता है। ये जो क्लास का वीडियो सूटेड वीडियो है इसको शूट किया जाए उसके बाद अपलोड किया जाता है, और 6:30 बजे डेली आपसे मिला जाएगा। सीएल सीकर के पेज पे आप आए, 6:30 मिलें। इसके अलावा सीएलसी सीकर का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें, और दोस्तों अतिशीघ्र ही आपके अपने सीएलसी 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट और 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही है, इंतजार करें, अतिशीघ्र शुरू करने वाले हैं दोस्तों, व्यवस्थाएं चल रही हैं, साइल्स अपनी टीम के साथ लग के पूरा सेटअप खड़ा कर रहे हैं, अतिशीघ्र हम लोग लाइव क्लासेज में 10th से 11th और 11th से 12th के बच्चों के संपर्क में आते हैं। बाकी सीएलसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप clclive.in पे जाएं, वहां सारे पेपर पढ़े हमारे, उनको देखें दोस्तों, पढ़ें, हमारी बायोकेम डीटीएस 2020 के सारे वीडियो सॉल्यूशन वहां पड़े हैं, देखें, मस्त रहें, अपने सुझाव दें, विचार दें। थैंक यू, जय सीएलसी।